हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी फोर को हिंदी वर्जन में नाम दिया हुआ है टाइम स्टोरी तो इस फिल्म का तमिल तेलुगू और हिंदी ये तीन वर्जन से वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर बातचीत करेंगे इसी के साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर बातचीत करने वाले उसी के साथ फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर स्टोरी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन एनालिसिस दी जाएगी फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की जाएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का क्या वीडियो स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी फोर जो दो हज़ार सोलह की तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्सन एक्शन फिल्म है इस फिल्म को तमिल तेलुगू और हिंदी तीन वर्जन में रिलीज किया गया है जहाँ पे तमिल मेन वर्जन है तेलुगू और हिंदी डब्ड वर्जन है हिंदी वर्जन को डायरेक्ट टेलीविजन और ओ टी पे प्रीमियर करवाया गया था वहीं पे तेलुगू डब्ड वर्जन को साथ ही में थिएटर में सेम नाम के साथ रिलीज किया गया था इस फिल्म को तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए ट्वेंटी फोर नाम दिया गया था वहीं पर हिंदी वर्जन के लिए टाइम स्टोरी नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो जोनर है साइंस फिक्स एक्शन ड्रामा वहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से जस्टिफाई करती हुई नजर आती है फिल्म की कहानी विक्रम कुमार ने लिखी हुई है उसके ऊपर जो स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग डायलॉग डायरेक्शन ये सभी चीजें विक्रम कुमार ने ही की हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर यानी कि सूर्या ने खुद जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया था फिल्म का बजट करीबन सत्तर करोड़ बताया जा रहा है जहाँ पे इस फिल्म को टू एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सूर्या और उनकी वाइफ ज्योतिका ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था एरोज एंटरटेनमेंट और स्टूडियो ग्रीन ने तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिसके तहत इस फिल्म को तेलुगु तमिल वर्जन में वर्ल्ड वाइड रिलीज करवाया गया था इस फिल्म के लीड रोल में सूर्या समंता प्रभु और नित्या मेनन देखने को मिलेंगे इनके अलावा सरन्या पोनवानन अजय गिरीश करनाद मोहन रमन सुधा सत्यान चार्ल अपूकुट्टी हर्षवर्धन नटराजन बालाकृष्णन और टी एस देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है तिरु ने एडिटिंग की हुई है प्रवीण पुरी ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चौवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो ए आर रहमान और कुतुबी कृपा ने मिलकर कंपोज किया हुआ है जो फिल्म के गाने वो ए आर रहमान ने अकेले मिलकर कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म के गानों के राइट्स है वो हीरोज म्यूजिक के पास है तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों वर्जन के लिए वहीं पर इस फिल्म के जो गाने तमिल में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे एक बोनस ट्रैक भी ऐड किया हुआ है तेलुगु में भी छह पे भी एक बोनस ट्रैक ऐड किया हुआ है लेकिन हिंदी में तीन गाने सुनने को मिलेंगे डब्ड वर्जन में तो इस तरह से सभी गानों के ऊपर काम किया गया था जिसके ऊपर डीपी में आपको आगे बताऊंगा अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रेम प्रोडक्शन से स्टार्ट करते अगस्त 2009 जहां पे डायरेक्टर विक्रम कुमार ने अनाउंस किया था कि वो एक 24 टाइटल के साथ फिल्म बनाने वाले जहां पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे मोहन नटराजन और इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे विक्रम और उसके बाद में बताया गया था कि हरीश जयराज इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक कंपोजिशन करने वाले पी सी श्रीन राम इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करेंगे 2009 के एंड में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी ए वी एम स्टूडियो चेन्नई में और इस फिल्म की कास्ट को भी पूरी तरह से सेट कर लिया गया था एक डेंस फॉरेस्ट का सेट भी क्रिएट कर लिया गया था और उन सभी चीज़ों के साथ फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी लेकिन विक्रम ने इस फिल्म के लिए विक्रम के साथ डायरेक्टर ने अपोजिट इलियाना डिक्रूस को कास्ट किया हुआ था और इस फिल्म का अनाउंसमेंट होने के बाद उन्होंने इस फिल्म को बाद में फिर से ड्रॉप करवा दिया गया था और उसके बाद में विक्रम ने क्लेरिफाई किया कि वो इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी जिस वजह से उसको यानी कि एक्टर विक्रम की और प्रोड्यूसर दोनों ने मिलकर इलियाना डिक्रूज को रिजेक्ट किया हुआ है बाद में फ़िल्म के कुछ अदर रीजंस भी दिखाए गए थे जहाँ पे डायरेक्टर ने पूरी तरह से स्क्रिप्ट के साथ जो काम कंप्लीट किया हुआ था वहाँ पे वो सभी चीज़ों को प्रोवाइड करने में हमारे सामने फेल रहे थे और फिल्म का जब प्रोडक्शन था वो काफ़ी हाई जा रहा था हर बार बढ़ रहा था जिसके चलते डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में काफ़ी क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे जिसके बदौलत ये फिल्म का प्रोजेक्ट वहाँ पर रुक चुका था जहाँ पर उसके बाद में इस फिल्म को फिर से डेवलप किया गया जहाँ पर जून दो सॉरी अगस्त दो में सूर्या ने अपने प्रोडक्शन कंपनी टूडे एंटरटेनमेंट के नीचे एक अनाउंसमेंट की अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के तहत जहाँ पे बताया गया कि वो इस फिल्म को बनाने वाले जहाँ पे इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया है जहाँ पे उनके और के हिसाब से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया है अक्टूबर दो को ए रहमान को म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर साइन किया गया एक्टर सूर्या ने कन्फर्म किया कि वो इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का जो मेन प्लॉट है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि विक्रम के साथ जो फिल्म बनने वाली थी वहाँ पे उसमें थोड़े चेंजेस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे क्योंकि फिल्म चार पाँच साल बाद अब बनने वाली है तो उस वजह से थोड़े चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे स्क्रीन प्ले और जो डायमेंशन है उसमें थोड़ा नेरेशन में थोड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है ये सभी चीज़ें सूर्या ने एक इंटरव्यू के तहत कही हुई थी उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो प्लॉट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जहाँ पे ह्यूमन जिस तरह से टाइम को कंट्रोल करता है उन सभी चीज़ों के ऊपर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर उस पावर के ऊपर इस फिल्म को बनाया जाएगा जो फिल्म का कोर थीम होने वाला है ट्वेंटी फोर फिल्म का उसके बाद में कैरेक्टर के ऊपर बातचीत करें तो बताया गया था कि सूर्या इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे उनके टोटल पाँच अपीरेंसिस के तीन रोल के साथ देखने को मिलेंगे और वन ऑफ दी रोल उनका सबसे बड़ा एंटागोनिस इस फिल्म का साबित होगा जहाँ पे इस फिल्म में उनके पाँच छः लुक डिज़ाइन किए गए थे उस किरदार के लिए उस एंटागनिस्ट के किरदार का नाम अथरिया रखा गया था जहाँ पे वो एक स्मार्ट बंदा बताया गया था जो अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म में के लिए एक्ट्रेस के लिए कैथरीन त्रेशा को साइन किया गया था फीमेल लीड के रोल पे लिए उनको साइन करने का फैसला लिया जा रहा था लेकिन फाइनली फरवरी 2015 में समंता रुद्रभु को इस फिल्म के किरदार के, के लिए साइन किया गया नित्या मेनन को इस फिल्म में सेकंड लीडिंग रोल के लिए साइन किया गया था उसके बाद में समन्ता और नित्या ने इस फिल्म के साथ आ, काम जो किया हुआ था जो सूर्या का किरदार था दो अलग अलग किरदार के साथ उन्होंने अलग अलग एक्ट्रेस ने अलग अलग टाइम जोन के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे समन्ता के अपोजिट जिस तरह जो मनी का किरदार लिखा हुआ था नित्या मेनन के अपोजिट जो सेतु रमन का किरदार था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आया था सरन पर्वानन को इस फिल्म में माँ के किरदार के लिए यानी कि माँ की मनी के माँ का रोल दिया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फो मुंबई 8 अप्रैल 2015 से स्टार्ट की गई थी जहां पर एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ नासिक में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था करीबन अर्ली जून 2015 में कुछ सीन से फिल्म के फिल्म स्टूडियो में शूट किए गए थे गोरेगांव में वीएफएक्स का जो काम है वही सेम स्टूडियो में सेप्टेम्बर दो को करवाया गया था नित्या मेनन ने अपना पोर्शन का करीबन एक अगस्त 2015 से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको सितंबर 2015 तक कंप्लीट करवाया हुआ था मिड सितंबर 2015 तक के इस फिल्म का 20 दिनों का शेड्यूल सेट किया गया था पोलैंड में और वहाँ पे कास्ट एंड क्रू मेंबर को ले जाया गया और वहाँ पे कुछ एक्शन सीक्वेंस थे कुछ सॉन्ग्स थे वो क्रैकआउस जेब्रो माउंटेन सकोपाने लेबा लिविन क्लोंडे सेडीना जद्रोज वाल बुलोविस बुलुवीज नोवे ब्रेसगो करके इसे अलग अलग पोलैंड के लोकेशन से वहाँ पे शूट किया गया था इस फिल्म की जो लाइटिंग है वो प्रोवाइड की गई थी क्रेस्को कंपनी सीने लाइट की तरफ से और पोलैंड में काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था उसको 30 सितंबर 2015 तक कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में 26 अक्टूबर 2015 को इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस को शुभ्रांता रॉयस सहारा स्टेडियम पुणे में शूट किया गया था जहां पे उसको एक सिंगल दिन में पूरी तरह से कम्प्लीट किया हुआ था जो एम धोनी वाला सिक्वेंस आपको देखने को मिलते है। उसके बारे में बात कर रहा हूँ इसी के मंथ के एंड में इसी मंथ के एंड में फिल्म का लास्ट शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसको आदित्य स्टूडियो चेन्नई में रखा गया था दो नवंबर 2015 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग का काम कंप्लीट करवाया गया था तो इस फिल्म को शूट करने में करीबन 100 से ज़्यादा का दिनों का टाइम लगा था जहां पे 30 दिनों का टाइम फिल्म का शूटिंग का आउट ऑफ कंट्री रखा गया था यानी कि बाहर देश 30 दिन शूट किया गया था 70 दिन इस फिल्म का इंडिया में शूट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में करीबन साठ से ज़्यादा वी का काम देखने को मिला था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स में आर रहमान का म्यूज़िक देखने को मिलेगा जहां पे इन फिल्म के गानों को पंचतन रिकॉर्ड इन चेन्नई ए एम स्टूडियो चेन्नई ए आर स्टूडियो मुंबई पंचतन हॉलीवुड स्टूडियो लॉस एंजल्स में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे दो हज़ार चौदह सोलह के बीच में इनको रिकॉर्ड किया गया था आठ अप्रैल दो हज़ार सोलह को इन सभी गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली ईरोज म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल तेलुगु और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था टोटल गानों की लेंथ थी वो पच्चीस मिनट बावन सेकंड थी फिल्म का जो ट्रेक लिस्ट है उसके बारे में बताओ तो पहला गाना नान ओन जिसके लिरिक्स मादन कारके ने लिखे हुए थे सिंगर थे अरिजीत सिंह चिनमई दूसरा गाना मेनंगारा जिसके लिरिक्स लिखे माधन कारके ने सिंगर थे सिद्ध सिंग श्री राम सनन्त मिधुति और जोनिता गांधी तीसरा गाना है पुनागे जिसके लिरिक्स लिखे हुए वैरा मुथु ने सिंगर थे हरिचरण ससा तिरुपति चौथा गाना है आर जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कारके ने सिंगर थे शक्ति श्री गोपालन पांचवा गाना है माई ट्विन ब्रदर जिसके लिरिक्स लिखे विक्रम कुमार ने सिंगर थे श्रीनिवास कृष्णन हृदय कत्तनी छठा गाना है कालामियन कडाली जिसके लिरिक्स लिखे हुए

अब हम बात करें इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सूर्या ने ट्रिपल रोल प्ले किए हुए एक तो है डॉक्टर सेतु रमन जो आथ्रिया का यंग ट्विन ब्रदर है एक साइंटिस्ट है जो टाइम ट्रैवलिंग ट्वेंटी फोर वॉच है उसके साथ उसका इन्वेंशन उन्होंने किया हुआ है और मनी का बायोलॉजिकल फादर है आथ्रिया जिसका नाम है एक किरदार का मेन एंटागोनिस्ट का वो रोल सेतु सूर्या ने ही प्ले किया हुआ है जो सेतुरमन का ओल्डर ट्विन ब्रदर है जहाँ पे वो ट्वेंटी फोर टाइम ट्रैवल वाला वो जो है उसको वो हथियाना चाहता है और मनी का बायोलॉजिकल अंकल है वहीं पे मणिकंदन यानी कि मणि जो सुब्रमण्य के सुब्रमण्य के नाम से जाना जाता है जो सेतु रमन का बेटा है और आत्र का नेफ्यू है समंता रूप प्रभु ने इस फिल्म में सत्या भामा ए के सत्या का रोल प्ले किया हुआ है जो मणि का लव इंटरेस्ट है उनका वॉइस और तमिल वर्जन के लिए चिन महीने डब किया गया था नित्या मेनन ने प्रिया सेतु रमन का रोल प्ले किया हुआ है सेतु रमन के वाइफ का किरदार था जो मनी के बायोलॉजिकल मदर है सरणिया पोनवानन ने सत्याभामा का रोल प्ले किया हुआ है जो मनी की अडोप्टिड मदर है अजय ने मिथरन का रोल प्ले किया हुआ है जो आथरे का ट्रस्टेड साइड की थे गिरीश कर्नाड ने इस फिल्म में सत्या के ग्रैंड फादर का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने सत्या के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सुधा ने सत्या की माँ का रोल प्ले किया हुआ सत्यान ने इस फिल्म में सर्वानंद यानी कि मनी के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है चार्ल ने इस फिल्म में रेडियार का रोल प्ले किया हुआ है अपू कुट्टी ने इस फिल्म में रेडियार के स्टाफ का रोल प्ले किया हुआ है हर्षवर्धन ने कलाई का रोल प्ले किया हुआ था इलेक्ट्रीशियन वाला जो किरदार है जो आत्रे के लिए काम करता है वो किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था नटराजन बालाकृष्ण ने सत्या के अंकल का रोल प्ले किया हुआ था और टी एस रंगनाथन ने इस फिल्म में सत्या के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने इस फिल्म में इंपोर्टेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम कहानी के ऊपर बातचीत करें तो शिवा कुमार यानी कि सूर्या एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक टाइम ट्रेवल वॉच क्रिएट की हुई है जहाँ पे वो आने वाले समय में काफी एक इस वॉच के थ्रू काफी अच्छे अच्छे चीजों को इस्तेमाल करते हुए एक देश के लिए भला कर सकते हैं जहाँ पे शिवा का भाई यानी कि अथरिया जो सूर्या ही वो रोल प्ले कर रहे हैं वो उस वॉच को पाने के लिए शिवा और उसकी वाइफ़ यानी कि नित्या मेनन को मारने के लिए जाता है जहाँ पे वो उसको मार देता है लेकिन लकीली शिवा कुमार किसी तरह से बचकर वो सेफ गार्ड की मदद से वहाँ से भाग निकलते हैं उसका एक छोटा बच्चा है जिसको वो सरण ना, नाम की जो लेडी होती है सरण्या पौनवान जो उसकी एडोप्टिव मदर बनते है उसके बाद में उसको देख वो निकल जाता है जहाँ पे पच्चीस साल के बाद अथ्रिया फिर से आ जाता है जहाँ पे वो वही वॉच के फिराक में जहाँ पे वो वॉच फ़िलहाल में मनी के पास है जहाँ पे वो शिव शिवा का बेटा है और उस वॉच को पाने के लिए अब वो मनी के क्लोज आने की कोशिश करता है जहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान मनी को इस वॉच का पावर पता चलता है और अथरिया का एविल इंटेंशन भी पता चलता है और इस वॉच को किस तरह से एक अलग लेवल पे ले जाता है वो सभी चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है मनी किस तरह से इन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा अपने अंकल यानी कि अथरिया से किस तरह से बचेगा वही फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी बढ़िया था नो no डाउट इसके ऊपर काफ़ी सारी फिल्में आई हुई है तो इसके ऊपर कुछ अलग करके दिखाना थोड़ा मुश्किल है नहीं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन डायरेक्टर ने बखूबी निभाया हुआ था जिस तरह से फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था जिस तरह से एक तीन किरदार लिखे हुए थे विक्रम कुमार ने उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था इस फिल्म के प्रोजेक्ट को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया था वो बढ़िया था इस फिल्म का आइडिया नरेशन का जो स्टाइल वो सभी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट थी फिलहाल में अगर आप ये दो की फिल्म है दो में लिखी गई थी लेकिन दो हज़ार बाईस कभी भी देखोगे एक बढ़िया तरीके से उन्होंने एक मैनर अच्छे खासे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के साथ उन सभी चीज़ों को लिखा हुआ है जहाँ पे वो सभी चीज़ें क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जिससे अंदा लगाया जा सकता है कि एक, एक एवरगिन कल्ट क्लासिक साइंस फिक्शन फिल्म बन चुकी है जहाँ पे फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जिस तरह से हमारे साथ ये फिल्म थ्रिलिंग मोमेंट एंटरटेनमेंट इमोशन एक्शन ड्रामा रोमेंस सभी चीज़ों का एक मिश्रण डालती हुई नज़र आती है उसमें जो साइंस फिक्शन का एक तड़का लगता है वो सभी चीज़ें टाइम ट्रैवल के साथ जिस तरह से जोड़ी जाती है वो परफेक्ट थी ट्वेंटी फोर फिल्म अगर सूर्या के अलावा आप दूसरे एक्टर के साथ देखें तो उतना कुछ खास हमें पसंद नहीं आएगा लेकिन जिस तरह से सूर्या ने उसमें वो किरदार निभाए हुए उस वजह से ये फिल्म और नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है जहाँ पे कह सकते हैं कि 2016 तक सूर्या की जितनी भी फिल्में आई हुई थी वहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई थी खास करके आथ्रिया का रोल जिस तरह से वो डिलीवर करते वो आपका दिल पूरी तरह से जीत लेते टोटल तीन किरदार प्ले किए हुए हैं तीनों के रोल काफ़ी अलग अलग है और वो आसानी से डिफ्रेंशिएट करने में हमारे सामने कामयाब रहे थे सूर्या ने अपने स्क्रीन प्रेजेंस से अपने सिंह नेगेटिव रोल के साथ जिस तरह से स्क्रीन प्ले हमारे सामने पेश किया हो जिस तरह से वो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो हमें ज़रूर पसंद आते हैं उनके वेरिएशंस उसके दर के थ्रू पूरी तरह से एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं देखने लायक पर फिल्म को और बेहतर बनाते फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी नेल बाइटिंग सीन्स के साथ दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म के इंटरवल पे जिस तरह से चीज़ों को दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ था फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू कैमरा वर्क वे एफ इतना बढ़िया तरीके से एलिवेट किया हुआ है जो फिल्म को काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट देता है फिल्म का जो प्रोडक्शन था उसको परफेक्ट वे में जस्टिफाई करता है समन्था को जो रोल दिया गया था वहाँ पर वो बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री सूर्य के साथ काफ़ी डिसेंट नज़र आ रही थी फिल्म का क्लाइमैक्स अभी बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से हमारे सामने एक प्रॉपर कन्विंसिंग मैनर में एग्जीक्यूट किया हुआ था जो सभी चीज़ें स्क्रीन पे एक बढ़िया तरीके से दिखाई गई है जहाँ पे स्क्रीन पे ज़्यादातर चीज़ों को लॉजिक के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म में जो वेरियस थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं टाइम ट्रैवल वॉच के हिसाब से जिस तरह से उसको सेट किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का जो ड्रॉ ब्रेक है उसको बात करें तो म्यूज़िक बोल सकते हैं म्यूज़िक ए रहमान का है लेकिन जो सॉन्ग्स है वो उतने अप टू द मार्क नहीं है जो फिल्म का कंटेंट था जिस तरह से फिल्म को नेरेट किया हुआ है उसमें स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो भी फिल्म का डिसेंट था लेकिन वो सॉन्ग्स से उसके मुकाबले फिल्म का म्यूजिक काफ़ी अच्छा था इसके अलावा कुछ ऑडियंस इस फिल्म के लॉजिक के तहत जाएगी लेकिन प्रॉपर वे में अगर लॉजिक के साथ देखने बैठोगे और फिल्म को कुछ ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी अंडर समझने के लिए थोड़ी कौन कन्फ्यूजन नजर आ सकती है अदरवाइज फिल्म काफ़ी बढ़िया है इस फिल्म में जो लव ट्रैक दिखाया है समंता का सूर्या का उसको फर्स्ट हाफ में जिस तरह से दिखाया हुआ था सेकंड हाफ में उतना बेहतर वे में उसको हमारे सामने पेश नहीं किया जाता है कुछ चीज़ें थी ऐसी थी फिल्म के फर्स्ट सेकंड हाफ में जहाँ पर उसे आसानी से चोपआउ किया जा सकती थी जहाँ पे वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहती अगर वो सभी चीज़ें हट जाती अननेसेसरी सीन्स तो फिल्म और इंटरेस्टिंग और क्रिस्प नजर आती कैमरा वर्क डिरेक्शन फिल्म का काफ़ी बढ़िया है वही फ़िल्म का सबसे बड़ा स्पेशल मैंसन है उसके बाद फिल्म का वीएफ जिस तरह से उसके ऊपर काम किया हुआ जो टाइम ट्रैवल का काम का था उसमें वेफिक्स जिस तरह से सेट को डिज़ाइन किया हुआ था वो काफ़ी मार्वेलस था इसके अलावा रिसेंट टाइम में जितनी भी फिल्में मैंने देखी हुई पिछले दस पंद्रह सालों में उसमें वन ऑफ़ द बेस्ट वेफ एक्स इस फिल्म में यूज़ किए गए थे इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग देखने को मिलती वो भी बढ़िया है अलग अलग किरदार के लिए और फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जिसको केयरफुल के साथ क्रिएट किया ऐसा महसूस हो रहा था ग्राफिक्स फिल्म का काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था जो एक फिल्म के स्क्रीन पे सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कन्विंसिंग और बिलीवेबल नज़र बनाने में कामयाब रखती है इसके अलावा डायरेक्टर विक्रम कुमार ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है फिलहाल में जितनी भी टाइम ट्रैवल इंडिया में फिल्में बनी हुई है उसमें उन्होंने सबसे बेस्ट फिल्म बना के दी हुई है जहाँ पे उनकी जो लिखावट है उसके ऊपर उनका जो एग्जीक्यूशन है जिस तरह से किरदारों का उनको लिखावट दी गई है सूर्या के कैरेक्टर को तीन डिफरेंट किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ है वो इम्प्रेसिव था उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी साई फाई का एंगल इमोशंस वो सभी चीज़ें उन्होंने बढ़िया तरीके से मैनेज की हुई थी थ्रिलिंग मोमेंट रोमांस एक्शन ड्रामा कॉमेडी उसका मिश्रण अच्छी तरह से एड किया हुआ था जिसकी बदौलत एक टेक्निकल ब्रिलियंट फिल्म बनती है ये जहाँ पर ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो इस फिल्म में सूर्या का जो ट्रिपल रोल है रेसी थ्रिलिंग सीन है एंगेजिंग कॉन्सेप्ट है वो सभी चीज़ें आपको आसानी से इंप्रेस कर जाएगी जहाँ पे सूर्य अपने स्टार डैम को आसानी से इस किरदार के परफॉर्मेंस के थ्रू आपको डिलीवर करते हुए नजर आएंगे और आपको इस फिल्म के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन हो या ना हो चाहे जितनी भी बड़ी एक्सपेक्टेशन रख लो ये फिल्म आपको ज़रा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी ये फिल्म किसी भी टाइप की ऑडियंस को मेरी बात सुन लो किसी भी टाइप की ऑडियंस को कनेक्ट करेगी कोई भी ऑडियंस हो मास क्लास मिडिल ऑडियंस सर्टेन टाइप की कोई भी ऐसी ऑडियंस हो सबको ये फिल्म पसंद आने वाली है अब हम बात करें फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो उससे पहले मैं हम बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 6 मई 2016 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब अच्छे खासे स्क्रीन भी मिले थे फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म को एस्टिमेटली करीबन उन्नीस सौ पचास दो हज़ार स्क्रीन में वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया था यूए में यूएस में इस फिल्म को करीबन दो सौ सड़सठ मिले हुए सॉरी स्क्रीन्स मिले हुए थे इस फिल्म के कुछ स्पेशल प्रीमियर्स रखे गए थे उसको पाँच मई दो में सेट किया गया था फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी करीबन चार से ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी तो इस तरह से एक अच्छे खासी स्क्रीन्स के साथ फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने एक मार्केटिंग गेम निकाली हुई थी जहाँ पे मार्केटिंग की हुई थी गेम के थ्रू ट्वेंटी फोर आर रन करके जिसको क्रिएटिव मंकी गेम्स वालों ने क्रिएट किया हुआ था जिसको आईओएस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एक मई 2016 को अवेलेबल किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को 6 मई 2016 को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब तो क्या धमाका मचाया फिल्म ने फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गया जहाँ पे फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला जिसके बदौलत फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ग्रोथ की जहाँ पे बाईस हज़ार वोट मिले हुए आई पे फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल है दस में से तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने कितने हद तक कितनी बढ़िया लेवल की रेटिंग हासिल की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने करीबन पहले वीकेंड में पचास करोड़ का इंडिया से ग्रोथ कलेक्शन निकाला हुआ था किसी तमिल लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन करना Yeah. तब के समय काफ़ी बड़ी बात थी जहाँ पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन था वहाँ से भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन का निकल के आया हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से इस फिल्म ने करीबन ओपनिंग वीकेंड सत्रह करोड़ के आसपास का लिया हुआ था जो तमिलनाडु के ओपनिंग वीकेंड के करीब माना जा सकता है क्योंकि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड का पचास करोड़ का ओपनिंग वीकेंड था उसमें सत्रह करोड़ तेलुगु से आया था और उतना ही कुछ तमिलनाडु से आया हुआ था तो फिल्म ने अप्रॉक्सीमेटली तमिलनाडु से एंटायर रन था लाइफ टाइम रन फिल्म का करीबन चालीस करोड़ का निकला था और फिल्म ने तीन दिनों में करीबन दो लाख डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था और एक सौ सत्तासी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था एक, एक लाख सत्तासी हजार और दो सौ डॉलर यू ए में इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उसी टाइम जोन के दौरान और इस तरह से यूएस का लाइफ टाइम कलेक्शन एक पॉइंट छः मिलियन यूएस डॉलर निकल के आया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जहां पे इस फिल्म का बजट करीबन सत्तर करोड़ था बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने सौ करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया 2016 में जहां पे इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रन लिया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई और उसके बाद में आगे जाके जब थिएटर के बाद इस फिल्म को ओ और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया तब एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन चुकी थी जहाँ पे जो आथिर वाला किरदार है वो पूरी तरह से कल्ट कैरेक्टर बन चुका था। OTT सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के OTT टी -टी राइट्स से वो तमिल वर्जन के लिए एमिज़न प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए, हिंदी वर्जन के लिए जी स्टूडियो के पास है, वहीं पे तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म के राइट्स है वो डिज्नी प्लस वॉशटाइम ने खरीदे हुए। जहाँ पे इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको अमेज़न क्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी फोर नाम से देखने को मिलेगा तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को ट्वेंटी फोर नाम के साथ डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट को एनी मनी आप इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर ट्वेंटी फोर फिल्म का जो हिंदी वर्जन है यानी कि टाइम स्टोरी उसके राइट सी फाइव एफ के पास है तो ये फिल्म सी फाई एफ के ऊपर टाइम स्टोरी के नाम से बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल देखने को मिलेगी सिर्फ आपको जी फाइप के ऊपर लॉग इन करना है और टाइम स्टोरी फिल्म आसानी से आप फ्री में इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओ टी टी के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर सेटेलाइट के ऊपर जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी के ऊपर ये फिल्म टाइम स्टोरी के नाम से हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को ओ टी टी पे तमिल वर्जन में आप देख सकते हो सॉरी अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे हिंदी वर्जन डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा और सॉरी तेलुगु वर्जन डिजनी प्लस हो के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे हिंदी वर्जन है वो टाइम स्टोरी नाम के साथ डब करवाया गया है जिसको जी फाइव के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल फिर इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको हिंदी वर्जन टाइम स्टोरी नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप ट्वेंटी या टाइम स्टोरी फिल्म तेलुगु तमिल और हिंदी वर्जन में इंजॉय कर पाओगे ट्वेंटी जो 2016 की तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है इस फिल्म को तमिल तेलुगू और हिंदी तीन वर्ज़न में रिलीज़ किया गया है जहाँ पे तमिल मेन वर्ज़न है तेलुगु और हिंदी डब्ड वर्जन है हिंदी वर्जन को डायरेक्ट टेलीविज़न और ओ टी पे प्रीमियर करवाया गया था वहीं पे तेलुगु डब्ड वर्ज़न को साथ ही में थिएटर में सेम नाम के साथ रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को तमिल और तेलुगु वर्ज़न के लिए 24 नाम दिया गया था वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए टाइम स्टोरी नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो जोनर है साइंस फिक्सन एक्शन ड्रामा वहाँ पर यह फिल्म पूरी तरह से जस्टिफाई करती हुई नजर आती है फिल्म की कहानी विक्रम कुमार ने लिखी हुई है उसके ऊपर जो स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग डायलॉग डन ये सभी चीज़ें विक्रम कुमार ने ही की हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर यानी कि सूर्या ने खुद जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया था फिल्म का बजट करीबन सत्तर करोड़ बताया जा रहा है जहाँ पे इस फिल्म को टू एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सूर्या और उनकी वाइफ ज्योतिका ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था एरोज एंटरटेनमेंट और स्टूडियो ग्रीन ने तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिसके तहत इस फिल्म को तेलुगु और तमिल वर्जन में वर्ल्ड वाइड रिलीज करवाया गया था इस फिल्म के लीड रोल में सूर्या समंतारूद प्रभु और नित्या मेनन देखने को मिलेंगे इनके अलावा सरन्य पोनवानन अजय गिरीश करनाद मोहन रमन सुधा सत्यान चार्ल अपुकुट्टी हर्षवर्धन नटराजन बालाकृष्णन और टी एस देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है तिरु ने एडिटिंग की हुई प्रवीण पुड़ी ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो ए आर रहेमान और कुतुबी कृपा ने मिलकर कंपोज किया हुआ है जो फिल्म के गाने वो ए आर रहमान ने अकेले मिलकर कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म के गानों के राइट्स है वो हीरोज म्यूजिक के पास है तमिल तेलुगू और हिंदी तीनों वर्जन के लिए वहीं पर इस फिल्म के जो गाने तमिल में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे एक बोनस ट्रैक भी ऐड किया हुआ है तेलुगु में भी छह पे भी एक बोनस ट्रैक ऐड किया हुआ है लेकिन हिंदी में तीन गाने सुनने को मिलेंगे डब्ड वर्जन में तो इस तरह से सभी गानों के ऊपर काम किया गया था जिसके ऊपर डीपी में आपको आगे बताऊंगा अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्री प्रोडक्शन से स्टार्ट करते अगस्त 2009 जहां पे डायरेक्टर विक्रम कुमार ने अनाउंस किया था कि वो एक 24 टाइटल के साथ फिल्म बनाने वाले हैं जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे मोहन नटराजन और इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे विक्रम और उसके बाद में बताया गया था कि हरीश जयराज इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक कंपोजिशन करने वाले पीसी सी श्रीन राम इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करेंगे 2009 के एंड में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी ए स्टूडियो चेन्नई में और इस फिल्म की कास्ट को भी पूरी तरह से सेट कर लिया गया था एक डेंस फॉरेस्ट का सेट भी क्रिएट कर लिया गया था और उन सभी चीज़ों के साथ फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी लेकिन विक्रम ने इस फिल्म के लिए विक्रम के साथ डायरेक्टर ने अपोजिट इलियाना डिक्रूस को कास्ट किया हुआ था और इस फिल्म का अनाउंसमेंट होने के बाद उन्होंने इस फिल्म को बाद में फिर से ड्रॉप करवा दिया गया था और उसके बाद में विक्रम ने क्लेरिफाई किया कि वो इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी जिस वजह से उस को यानी कि एक्टर विक्रम की और प्रोड्यूसर दोनों ने मिलकर इलियाना डिक्रूज को रिजेक्ट किया हुआ है बाद में फ़िल्म के कुछ अदर रीजंस भी दिखाए गए थे जहाँ पे डायरेक्टर ने पूरी तरह से स्क्रिप्ट के साथ जो काम कंप्लीट किया हुआ था वहाँ पे वो सभी चीज़ों को प्रोवाइड करने में हमारे सामने फेल रहे थे और फिल्म का जब प्रोडक्शन था वो काफ़ी हाई जा रहा था हर बार बढ़ रहा था जिसके चलते डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में काफ़ी क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे जिसके बदौलत ये फिल्म का प्रोजेक्ट वहाँ पर रुक चुका था जहाँ पर उसके बाद में इस फिल्म को फिर से डेवलप किया गया जहाँ पर जून दो सॉरी अगस्त दो में सूर्या ने अपने प्रोडक्शन कंपनी टूडे एंटरटेनमेंट के नीचे एक अनाउंसमेंट की अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के तहत जहाँ पे बताया गया कि वो इस फिल्म को बनाने वाले जहाँ पे इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया है जहाँ पे उनके और के हिसाब से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया है अक्टूबर 2014 को ए आर रहमान को म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर साइन किया गया एक्टर सूर्या ने कन्फर्म किया कि वो इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का जो मेन प्लॉट है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि विक्रम के साथ जो फिल्म बनने वाली थी वहाँ पे उसमें थोड़े चेंजेस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे क्योंकि फिल्म चार पाँच साल बाद अब बनने वाली है तो उस वजह से थोड़े चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे स्क्रीन प्ले और जो डायमेंशन है उसमें थोड़ा नेरेशन में थोड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है ये सभी चीज़ें सूर्या ने एक इंटरव्यू के तहत कही हुई थी उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो प्लॉट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जहाँ पे ह्यूमन जिस तरह से टाइम को कंट्रोल करता है उन सभी चीज़ों के ऊपर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर उस पावर के ऊपर इस फिल्म को बनाया जाएगा जो फिल्म का कोर थीम होने वाला है ट्वेंटी फोर फिल्म का उसके बाद में कैरेक्टर के ऊपर बातचीत करें तो बताया गया था कि सूर्या इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे उनके टोटल पाँच अपीरेंस के तीन रोल के साथ देखने को मिलेंगे और वन ऑफ दी रोल उनका सबसे बड़ा इंटागोनिस इस फिल्म का साबित होगा जहाँ पे इस फिल्म में उनके पाँच छः लुक डिजाइन किए गए थे उस किरदार के लिए उस एंटागनिस्ट के किरदार का नाम अथरिया रखा गया था जहाँ पे वो एक स्मार्ट बंदा बताया गया था जो अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म में के लिए एक्ट्रेस के लिए कैथरीन त्रेसा को साइन किया गया था फीमेल लीड के रोल पे लिए उनको साइन करने का फैसला लिया जा रहा था लेकिन फाइनली फरवरी 2015 हज़ार पंद्रह में समंता रुद्रभु को इस फिल्म के किरदार के, के लिए साइन किया गया नित्या मेनन को इस फिल्म में सेकंड लीडिंग रोल के लिए साइन किया गया था उसके बाद में समन्ता और नित्या ने इस फिल्म के साथ आ, काम जो किया हुआ था जो सूर्या का किरदार था दो अलग अलग किरदार के साथ उन्होंने अलग अलग एक्ट्रेस ने अलग अलग टाइम जोन के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे समन्ता के अपोजिट जिस तरह जो मनी का किरदार लिखा हुआ था नित्या मेनन के अपोजिट जो सेतु रमन का किरदार था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आया था सरण पर्वानन को इस फिल्म में माँ के किरदार के लिए यानी कि माँ की मनी के माँ का रोल दिया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मुंबई 8 अप्रैल 2015 से स्टार्ट की गई थी जहां पर एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ नासिक में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था करीबन अर्ली जून 2015 में कुछ सीन से फिल्म के फिल्म स्थान स्टूडियो में शूट किए गए थे गोरेगांव में वीएफएक्स का जो काम है वही सेम स्टूडियो में सेप्टेम्बर दो को करवाया गया था नित्या मेनन ने अपना पोर्सन का करीबन एक अगस्त 2015 हजार पंद्रह से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको सेप्टेम्बर दो हज़ार पंद्रह तक कम्प्लीट करवाया हुआ था मिड सेप्टेम्बर दो हज़ार पंद्रह तक के इस फिल्म का बीस दिनों का शेड्यूल सेट किया गया था पोलैंड में और वहाँ पे कास्ट एंड क्रू मेंबर को ले जाया गया और वहाँ पे कुछ एक्शन सीक्वेंस थे कुछ सॉन्ग्स थे वो क्रैकआउस जेब्रो माउंटेन सकोपाने लेबा लेविन क्लोंडे सेडिना जद्रोज वाल ब्रिंच ब्लूवीज नोवे ब्रेस्गो करके इसे अलग अलग पोलैंड के लोकेशन से वहाँ पे शूट किया गया था इस फिल्म की जो लाइटिंग है वो प्रोवाइड की गई थी क्रेसगो कंपनी सीने लाइट की तरफ से और पोलैंड में काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था उसको 30 सितंबर 2015 तक कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में 26 अक्टूबर 2015 को इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस को शुभांता रॉयस सहारा स्टेडियम पुणे में शूट किया गया था जहां पे उसको एक सिंगल दिन में पूरी तरह से कम्प्लीट किया हुआ था जो एम धोनी वाला सिक्वेंस आपको देखने को मिलते है। उसके बारे में बात कर रहा हूँ इसी के मंथ के एंड में इसी मंथ के एंड में फिल्म का लास्ट शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसको आदित्य स्टूडियो चेन्नई में रखा गया था दो नवंबर 2015 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग का काम कंप्लीट करवाया गया था तो इस फिल्म को शूट करने में करीबन 100 से ज़्यादा का दिनों का टाइम लगा था जहां पे 30 दिनों का टाइम फिल्म का शूटिंग का आउट ऑफ कंट्री रखा गया था यानी कि बाहर देश 30 दिन शूट किया गया था 70 दिन इस फिल्म का इंडिया में शूट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में करीबन साठ से ज़्यादा बी का काम देखने को मिला था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स में आर रहमान का म्यूज़िक देखने को मिलेगा जहां पे इन फिल्म के गानों को पंचतन रिकॉर्ड इन चेन्नई ए एम स्टूडियो चेन्नई ए आर स्टूडियो मुंबई पंचतन हॉलीवुड स्टूडियो लॉस एंजल्स में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे दो हज़ार चौदह सोलह के बीच में इनको रिकॉर्ड किया गया था आठ अप्रैल दो हज़ार सोलह को इन सभी गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली ईरोज म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल तेलुगु और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था टोटल गानों की लेंथ थी वो पच्चीस मिनट बावन सेकंड थी फिल्म का जो ट्रेक लिस्ट है उसके बारे में बताओ तो पहला गाना नान ओन जिसके लिरिक्स मादन कारके ने लिखे हुए थे सिंगर थे अरिजीत सिंह चिन्मयी दूसरा गाना मे निगा जिसके लिरिक्स लिखे माधन कारके ने सिंगर थे सिद्ध श्री राम सनन्त मिधुति और जोनिता गांधी तीसरा गाना पुनागे जिसके लिरिक्स लिखे वैरा मुत्थु ने सिंगर थे हरिचरण ससा तिरुपति चौथा गाना है आर जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कारके ने सिंगर थे शक्ति श्री गोपालन पांचवा गाना है माई ट्वीन ब्रधर जिसके लिरिक्स लिखे विक्रम कुमार ने सिंगर थे श्रीनिवास कृष्णन हृदय कत्तनी छठा गाना है कालामियन कडाली जिसके लिरिक्स लिखे हुए

अब हम बात करें इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सूर्या ने ट्रिपल रोल प्ले किए हुए एक तो डॉक्टर सेतु रमान जो आथ्रे का यंग ट्विन ब्रदर है एक साइंटिस्ट है जो टाइम ट्रैवलिंग ट्वेंटी फोर वॉच है उसके साथ उसका इन्वेंशन उन्होंने किया हुआ है और मनी का बायोलॉजिकल फादर है आथ्रेया जिसका नाम है किरदार का मेन एंटागोनिस्ट का वो रोल सेतु रम सूर्या ने ही प्ले किया हुआ है जो सेतु रमन का ओल्डर ट्विन ब्रदर है जहाँ पे वो ट्वेंटी फोर टाइम ट्रैवल वाला वो जो उसको वो हथियाना चाहता है और मनी का बायोलॉजिकल अंकल है वहीं पे मणिकंदन यानी कि मणि जो सुब्रमण्य के सुब्रमण्य के नाम से जाना जाता है जो सेतु रमन का बेटा है और आत्र का नेफ्यू है समंता रूप प्रभु ने इस फिल्म में सत्या भामा ए के सत्या का रोल प्ले किया हुआ है जो मणि का लव इंटरेस्ट है उनका वॉइस और तमिल वर्जन के लिए चिन महीने डब किया गया था नित्या मेनन ने प्रिया सेतु रमन का रोल प्ले किया हुआ है सेतु रमन के वाइफ का किरदार था जो मनी के बायोलॉजिकल मदर है सरनिया पोनवानन ने सत्या भामा का रोल प्ले किया हुआ है जो मनी की अडोप्टेड मदर है अजय ने मिथुरन का रोल प्ले किया हुआ है जो आथरे का ट्रस्टेड साइड की थे गिरीश कर्नाड ने इस फिल्म में सत्या के ग्रैंड का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने सत्या के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सुधा ने सत्या की माँ का रोल प्ले किया हुआ सत्या ने इस फिल्म में सर्वानंद यानी कि मनी के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है चार्ल ने इस फिल्म में रेडियार का रोल प्ले किया हुआ है अपू कुट्टी ने इस फिल्म में रेडियार के स्टाफ का रोल प्ले किया हुआ है हर्षवर्धन ने कलाई का रोल प्ले किया हुआ था इलेक्ट्रीशियन वाला जो किरदार है जो आत्रे के लिए काम करता है वो किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था नटराजन बालाकृष्ण ने सत्या के अंकल का रोल प्ले किया हुआ था और टी एस रंगनाथन ने इस फिल्म में सत्या के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम कहानी के ऊपर बातचीत करें तो शिवा कुमार यानी कि सूर्या एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक टाइम ट्रेवल वॉच क्रिएट की हुई है जहाँ पे वो आने वाले समय में काफी एक इस वॉच के थ्रू काफी अच्छे अच्छे चीजों को इस्तेमाल करते हुए एक देश के लिए भला कर सकते हैं जहाँ पे शिवा का भाई यानी कि अथरिया जो सूर्या ही वो रो रोल प्ले कर रहे हैं वो उस वॉच को पाने के लिए शिवा और उसकी वाइफ़ यानी कि नित्या मेनन को मारने के लिए जाता है जहाँ पे वो उसको मार देता है लेकिन लकीली शिवा कुमार किसी तरह से बचकर वो सेफ गार्ड की मदद से वहाँ से भाग निकलते हैं उसका एक छोटा बच्चा है जिसको वो सरण नाम की जो लेडी होती है सरण्या पौनवान जो उसकी एडोप्टिव मदर बनती है उसके बाद में उसको देख कर वो निकल जाता है जहाँ पे पच्चीस साल के बाद अथ्रिया फिर से आ जाता है जहाँ पे वो वही वॉच के फिराक में जहाँ पे वो वॉच फ़िलहाल में मनी के पास है जहाँ पे वो शिव शिवा का बेटा है और उस वॉच को पाने के लिए अब वो मनी के क्लोज आने की कोशिश करता है जहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान मनी को इस वॉच का पावर पता चलता है और अथरिया का इंटेंशन भी पता चलता है और इस वॉच को किस तरह से एक अलग लेवल पे ले जाता है वो सभी चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है मनी किस तरह से इन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा अपने अंकल यानी कि अथरिया से किस तरह से बचेगा वही फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी बढ़िया था नो no डाउट इसके ऊपर काफी सारी फिल्में आई हुई है तो इसके ऊपर कुछ अलग करके दिखाना थोड़ा मुश्किल है नहीं थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन डायरेक्टर ने बखूबी निभाया हुआ था जिस तरह से फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था जिस तरह से एक तीन किरदार लिखे हुए थे विक्रम कुमार ने उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था इस फिल्म के प्रोजेक्ट को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया था वो बढ़िया था इस फिल्म का आइडिया नरेशन का जो स्टाइल वो सभी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट थी फिलहाल में अगर आप ये दो की फिल्म है दो में लिखी गई थी लेकिन दो हज़ार बाईस कभी भी देखोगे एक बढ़िया तरीके से उन्होंने एक मैनर अच्छे खासे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के साथ उन सभी चीज़ों को लिखा हुआ है जहाँ पे वो सभी चीज़ें क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक, एक एवरगिन कल्ट क्लासिक साइंस फिक्शन फिल्म बन चुकी है जहाँ पे फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जिस तरह से हमारे साथ ये फिल्म थ्रिलिंग मोमेंट एंटरटेनमेंट इमोशन एक्शन ड्रामा रोमेंस सभी चीज़ों का एक मिश्रण डालती हुई नज़र आती है उसमें जो साइंस फिक्शन का एक तड़का लगता है वो सभी चीज़ें टाइम ट्रैवल के साथ जिस तरह से जोड़ी जाती है वो परफेक्ट थी ट्वेंटी फोर फिल्म अगर सूर्या के अलावा आप दूसरे एक्टर के साथ देखें तो उतना कुछ खास हमें पसंद नहीं आएगा लेकिन जिस तरह से सूर्या ने उसमें वो किरदार निभाए हुए उस वजह से ये फिल्म और नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है जहाँ पे कह सकते हैं कि 2016 तक सूर्या की जितनी भी फिल्में आई हुई थी वहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई थी खास करके आथ्रिया का रोल जिस तरह से वो डिलीवर करते वो आपका दिल पूरी तरह से जीत लेते टोटल तीन किरदार प्ले किए हुए हैं तीनों के रोल काफ़ी अलग अलग है और वो आसानी से डिफ्रेंशिएट करने में हमारे सामने रहे थे सूर्या ने अपने स्क्रीन प्रेजेंस से अपने सिंह नेगेटिव रोल के साथ जिस तरह से स्क्रीन प्ले हमारे सामने पेश किया हो जिस तरह से वो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो हमें ज़रूर पसंद आते हैं उनके वेरिएशंस उसके दर के थ्रू पूरी तरह से एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं देखने लायक पर फिल्म को और बेहतर बनाते फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी नेल बाइटिंग सीन्स के साथ दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म के इंटरवल पे जिस तरह से चीज़ों को दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ था फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू कैमरा वर्क वे इतना बढ़िया तरीके से एलिवेट किया हुआ है जो फिल्म को काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट देता है फिल्म का जो प्रोडक्शन था उसको परफेक्ट वे में जस्टिफाई करता है समन्था को जो रोल दिया गया था वहाँ पर वो बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री सूर्य के साथ काफ़ी डिसेंट नजर आ रही थी फिल्म का क्लाइमैक्स अभी बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से हमारे सामने एक प्रॉपर कन्विंसिंग मैनर में एग्जीक्यूट किया हुआ था जो सभी चीज़ें स्क्रीन पे एक बढ़िया तरीके से दिखाई गई है जहाँ पे स्क्रीन पे ज़्यादातर चीज़ों को लॉजिक के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म में जो वेरियस थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं टाइम ट्रैवल वॉच के हिसाब से जिस तरह से उसको सेट किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का जो ड्रॉ ब्रेक है उसको बात करें तो म्यूज़िक बोल सकते हैं म्यूज़िक ए रहमान का है लेकिन जो सॉन्ग्स है वो उतने अप टू द मार्क नहीं है जो फिल्म का कंटेंट था जिस तरह से फिल्म को नेरेट किया हुआ है उसमें स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो भी फिल्म का डिसेंट था लेकिन वो सॉन्ग्स से उसके मुकाबले फिल्म का म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था इसके अलावा कुछ ऑडियंस इस फिल्म के लॉजिक के तहत जाएगी लेकिन प्रॉपर वे में अगर लॉजिक के साथ देखने बैठोगे और फिल्म को कुछ ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी अंडर समझने के लिए थोड़ी कॉन्फ्य कन्फ्यूजन नज़र आ सकती है अदरवाइज फिल्म काफ़ी बढ़िया है इस फिल्म में जो लव ट्रैक दिखाया हुआ है समंता का सूर्या का उसको फर्स्ट हाफ में जिस तरह से दिखाया हुआ था सेकंड हाफ में उतना बेहतर वे में उसको हमारे सामने पेश नहीं किया जाता है कुछ चीज़ें थी ऐसी थी फिल्म के फर्स्ट सेकंड हाफ में जहाँ पे उसे आसानी से चोपआउ किया जा सकती थी जहाँ पे वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहती थी। अगर वो सभी चीज़ें हट जाती अननेसेसरी सीन्स तो फिल्म और इंटरेस्टिंग और क्रिस्प नजर आती कैमरा वर्क डिरेक्शन फिल्म का काफ़ी बढ़िया है वही फिल्म का सबसे बड़ा स्पेशल मेन्सन है उसके बाद फिल्म का वी जिस तरह से उसके ऊपर काम किया हुआ जो टाइम ट्रैवल का काम कामकाज था उसमें वेफिक्स जिस तरह से सेट को डिज़ाइन किया हुआ था वो काफ़ी मार्वेलस था इसके अलावा रिसेंट टाइम में जितनी भी फिल्में मैंने देखी हुई पिछले दस पंद्रह सालों में उसमें वन ऑफ दी बेस्ट वेफ इस फिल्म में यूज़ किए गए थे इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग देखने को मिलती वो भी बढ़िया है अलग अलग किरदार के लिए और फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी हर एक फ्रेम काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जिसको केयरफुल के साथ क्रिएट किया ऐसा महसूस हो रहा था ग्राफिक्स फिल्म का काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था जो एक फिल्म के स्क्रीन पे सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कन्विंसिंग और बिलीवेबल नज़र बनाने में कामयाब रखती है इसके अलावा डायरेक्टर विक्रम कुमार ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है फिलहाल में जितनी भी टाइम ट्रैवल इंडिया में फिल्में बनी हुई है उसमें उन्होंने सबसे बेस्ट फिल्म बना के दी हुई है जहाँ पे उनकी जो लिखावट है उसके ऊपर उनका जो एग्जीक्यूशन है जिस तरह से किरदारों का उनको लिखावट दी गई है सूर्या के कैरेक्टर को तीन डिफरेंट किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ है वो इंप्रेसिव था उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी साई फाई का एंगल इमोशंस वो सभी चीज़ें उन्होंने बढ़िया तरीके से मैनेज की हुई थी थ्रिलिंग मोमेंट रोमेंस एक्शन ड्रामा कॉमेडी उसका मिश्रण अच्छी तरह से एड किया हुआ था जिसकी बदौलत एक टेक्निकल ब्रिलियंट फिल्म बनती है ये जहाँ पे ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म में सूर्या का जो ट्रिपल रोल है रेसी थ्रिलिंग सीन है एंगेजिंग कॉन्सेप्ट है वो सभी चीज़ें आपको आसानी से इम्प्रेस कर जाएगी जहाँ पे सूर्या अपने स्टार को आसानी से इस किरदार के परफॉर्मेंस के थ्रू आपको प... डिलीवर करते हुए नजर आएंगे और आपको इस फिल्म के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन हो या ना हो चाहे जितनी भी बड़ी एक्सपेक्टेशन रख लो ये फिल्म आप सबको ज़रा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी ये फिल्म किसी भी टाइप की ऑडियंस को मेरी बात सुन लो किसी भी टाइप की ऑडियंस को कनेक्ट करेगी कोई भी ऑडियंस हो मास क्लास मिडिल ऑडियंस सर्टेन टाइप की कोई भी ऐसी ऑडियंस हो सबको ये फिल्म पसंद आने वाली है अब हम बात करें फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो उससे पहले मैं हम बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 6 मई 2016 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब अच्छे खासे स्क्रीन भी मिले थे फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म को एस्टिमेटली करीबन उन्नीस सौ पचास दो हज़ार स्क्रीन्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया था यू में यू में इस फिल्म को करीबन दो सौ सड़सठ सट वोट मिले हुए सॉरी स्क्रीन्स मिले हुए थे इस फिल्म के कुछ स्पेशल प्रीमियर्स रखे गए थे उसको पाँच मई दो में सेट किया गया था फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी करीबन चार से ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी तो इस तरह से एक अच्छे खासी स्क्रीन्स के साथ फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने एक मार्केटिंग गेम निकाली हुई थी जहाँ पे मार्केटिंग की हुई थी गेम के थ्रू ट्वेंटी फोर आर रन करके जिसको क्रिएटिव मंकी गेम्स वालों ने क्रिएट किया हुआ था जिसको आईओएस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एक मई 2016 को अवेलेबल किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को 6 मई 2016 को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब तो क्या धमाका मचाया फिल्म ने फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गया जहाँ पे फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला जिसके बदौलत फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ग्रोथ की जहाँ पे बाईस हज़ार वोट मिले हुए आईएमडीबी पे फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल है दस में से तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने कितने हद तक कितनी बढ़िया लेवल की रेटिंग हासिल की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने करीबन पहले वीकेंड में पचास करोड़ का इंडिया से ग्रोथ कलेक्शन निकाला हुआ था किसी तमिल लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन करना yeah तब के समय काफ़ी बड़ी बात थी जहाँ पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन था वहाँ से भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन का निकल के आया हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से इस फिल्म ने करीबन ओपनिंग वीकेंड सत्रह करोड़ के आसपास का लिया हुआ था जो तमिलनाडु के ओपनिंग वीकेंड के करीब माना जा सकता है क्योंकि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड का पचास करोड़ का ओपनिंग वीकेंड था उसमें सत्रह करोड़ तेलुगु से आया था और उतना ही कुछ तमिलनाडु से आया हुआ था तो फिल्म ने अप्रॉक्सीमेटली तमिलनाडु से एंटायर रन था लाइफ टाइम रन फिल्म का करीबन चालीस करोड़ का निकला था और फिल्म ने दिनों में एक मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद वो सभी चीजें एक सौ इकसठ स्क्रीन पे ही रिलीज की गई थी उस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ ये ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने करीबन दो लाख डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था और एक तो सौ सत्तासी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था एक लाख सत्तासी हजार और दो सौ डॉलर यू ए में इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उसी टाइम जोन के दौरान और इस तरह से यूएस का लाइफ टाइम कलेक्शन एक पॉइंट छः मिलियन यूएस डॉलर निकल के आया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जहां पे इस फिल्म का बजट करीबन सत्तर करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने सौ करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया 2016 में जहां पे इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रन लिया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई और उसके बाद में आगे जाके जब थिएटर के बाद इस फिल्म को ओ और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया तब एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन चुकी थी जहाँ पे जो आथरिया वाला किरदार है वो पूरी तरह से कैरेक्टर बन चुका था ओ टी, -टी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के ओ टी, टी राइट से वो तमिल वर्जन के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए हिंदी वर्जन के लिए जी स्टूडियो के पास है वहीं पे तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म के राइट्स है वो डिजनी प्लस होटस्टार ने खरीदे हुए जहाँ फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको अमेजॉन क्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी फोर नाम से देखने को मिलेगा तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को ट्वेंटी फोर नाम के साथ डिजनी प्लस हॉट के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट को एनी मनी आप इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे ट्वेंटी फोर फिल्म का जो हिंदी वर्जन है यानी कि टाइम स्टोरी उसके राइट सी फाई के पास है तो ये फिल्म जीफाईप के ऊपर टाइम स्टोरी के नाम से बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल देखने को मिलेगी सिर्फ आपको जी फाई के ऊपर लॉग इन करना है और टाइम स्टोरी फिल्म आसानी से आप फ्री में इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओ के ऊपर एंजॉय कर पाओगे वहीं पे सैटेलाइट के ऊपर जी सिनेमा और जी सिनेमा एच के ऊपर ये फिल्म टाइम स्टोरी के नाम से हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को ओ पे तमिल वर्जन में आप देख सकते हो डि सॉरी अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे हिंदी वर्जन डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा और सॉरी तेलगु वर्जन डिजनी प्लस हो स्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे हिंदी वर्जन है वो टाइम स्टोरी नाम के साथ डब करवाया गया है जिसको जी फाइव के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है बिल्कुल फ्री में विध इंग्लिश सब टाइटल फिर इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको हिंदी वर्जन टाइम स्टोरी नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप ट्वेंटी फोर या टाइम स्टोरी फिल्म तेलगू तमिल और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे अब हम कहानी के ऊपर बातचीत करें तो शिवा कुमार यानी कि सूर्या एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक टाइम ट्रेवल वॉच क्रिएट की हुई है जहाँ पे वो आने वाले समय में काफ़ी एक इस वॉच के थ्रू काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक देश के लिए भला कर सकते हैं जहाँ पे शिवा का भाई यानी कि अथरिया जो सूर्या ही रोल रौ प्ले कर रहे हैं वो उस वॉच को पाने के लिए शिवा और उसकी वाइफ यानी कि नित्या मेनन को मारने के लिए जाता है जहाँ पे वो उसको मार देता है लेकिन लकीली शिवा कुमार किसी तरह से बचकर वो सेफ गार्ड की मदद से वहाँ से भाग निकलते उसका एक छोटा बच्चा है जिसको वो एक ना, नाम की जो लेडी होती है सरणिया पन्वानन जो उसकी एडोप्टिव मदर बनती है उसके बाद में उसको देकर वो निकल जाता है जहाँ पे पच्चीस साल के बाद अथ्रिया फिर से आ जाता है जहाँ पे वो वही वॉच के फिराक में जहाँ पे वो वॉच फ़िलहाल में मनी के पास है जहाँ पे वो शिव शिवा का बेटा है और उस वॉच को पाने के लिए अब वो मनी के क्लोज आने की कोशिश करता है जहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान मनी को इस वॉच का पावर पता चलता है और अथर्या का एविल इंटेंशन भी पता चलता है और इस वॉच को किस तरह से एक अलग लेवल पे ले जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है मनी किस तरह से इन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा अपने अंकल यानी कि अथरिया से किस तरह से बचेगा वही फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी बढ़िया था नो no डाउट इसके ऊपर काफी सारी फिल्में आई हुई है तो इसके ऊपर कुछ अलग करके दिखाना थोड़ा मुश्किल है नहीं थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन डायरेक्टर ने बखूबी निभाया हुआ था जिस तरह से फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था जिस तरह से एक तीन किरदार लिखे हुए थे विक्रम कुमार ने उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था इस फिल्म के प्रोजेक्ट को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया था वो बढ़िया था इस फिल्म का आइडिया नरेशन का जो स्टाइल वो सभी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट थी फिलहाल में अगर आप ये दो की फिल्म है दो में लिखी गई थी लेकिन दो हज़ार बाईस कभी भी देखोगे एक बढ़िया तरीके से उन्होंने एक मैनर अच्छे खासे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के साथ उन सभी चीज़ों को लिखा हुआ है जहाँ पे वो सभी चीज़ें क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक, एक एवरग्रीन कल्ट क्लासिकल साइंस फिक्शन फिल्म बन चुकी है जहाँ पे फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जिस तरह से हमारे साथ ये फिल्म थ्रिलिंग मोमेंट एंटरटेनमेंट इमोशन एक्शन ड्रामा रोमेंस सभी चीज़ों का एक मिश्रण डालती हुई नज़र आती है उसमें जो साइंस फिक्शन का एक तड़का लगता है वो सभी चीज़ें टाइम ट्रेवल के साथ जिस तरह से जोड़ी जाती है वो परफेक्ट थी ट्वेंटी फोर फिल्म अगर सूर्या के अलावा दूसरे एक्टर के साथ देखें तो उतना कुछ खास हमें पसंद नहीं आएगा लेकिन जिस तरह से सूर्या ने उसमें वो किरदार निभाए हुए उस वजह से ये फिल्म और नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है जहाँ पे कह सकते हैं कि 2016 तक सूर्या की जितनी भी फिल्में आई हुई थी वहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई थी खास करके आथ्रिया का रोल जिस तरह से वो डिलीवर करते वो आपका दिल पूरी तरह से जीत लेते टोटल तीन किरदार प्ले किए हुए हैं तीनों के रोल काफ़ी अलग अलग है और वो आसानी से डिफ्रेंशिएट करने में हमारे सामने कामयाब रहे थे सूर्या ने अपने स्क्रीन प्रेजेंस से अपने मैनेजिंग नेगेटिव रोल के साथ जिस तरह से स्क्रीन प्ले हमारे सामने पेश किया हो जिस तरह से वो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो हमें ज़रूर पसंद आते हैं उनके वेरिएशंस, उसके दर के थ्रू पूरी तरह से एक एवॉर्ड विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते देखने लायक पर फिल्म को और बेहतर बनाते फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी नेल बाइटिंग सीन्स के साथ दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म के इंटरवल पे जिस तरह से चीज़ों को दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ था फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू कैमरा वर्क वे एफ इतना बढ़िया तरीके से एलिवेट किया हुआ है जो फिल्म को काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट देता है फिल्म का जो प्रोडक्शन था उसको परफेक्ट वे में जस्टिफाई करता है समन्था को जो रोल दिया गया था वहाँ पर वो बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री सूर्य के साथ काफ़ी डिसेंट नजर आ रही थी फिल्म का क्लाइमैक्स अभी बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से हमारे सामने एक प्रॉपर कन्विंसिंग मैनर में एग्जीक्यूट किया हुआ था जो सभी चीज़ें स्क्रीन पे एक बढ़िया तरीके से दिखाई गई है जहाँ पे स्क्रीन पे ज़्यादातर चीज़ों को लॉजिक के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म में जो वेरियस थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं टाइम ट्रैवल वॉच के हिसाब से जिस तरह से उसको सेट किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का जो ड्रॉ ब्रेक है उसको बात करें तो म्यूजिक बोल सकते म्यूज़िक ए रहमान का है लेकिन जो सॉन्ग्स है वो उतने अप टू द मार्क नहीं है जो फिल्म का कंटेंट था जिस तरह से फिल्म को नेरेट किया हुआ है उसमें स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो भी फिल्म का डिसेंट था लेकिन वो सॉन्ग्स से उसके मुकाबले फ़िल्म का म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था इसके अलावा कुछ ऑडियंस इस फिल्म के लॉजिक के तहत जाएगी लेकिन प्रॉपर वे में अगर लॉजिक के साथ देखने बैठोगे और फिल्म को कुछ ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी अंडर समझने के लिए थोड़ी कॉन्फ्यूजिंग नज़र आ सकती है अदरवाइज फिल्म काफ़ी बढ़िया है इस फिल्म में जो लव ट्रैक दिखाया हुआ समंता का सूर्या का उसको फर्स्ट हाफ में जिस तरह दिखाया हुआ था सेकंड हाफ में उतना बेहतर वे में उसको हमारे सामने पेश नहीं किया जाता है कुछ चीज़ें थी ऐसी थी फिल्म के फर्स्ट सेकंड हाफ़ में जहाँ पे उसे आसानी से चॉप ऑफ किया जा सकती थी जहाँ पे वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहती अगर वो सभी चीज़ें हट जाती अननेसेसरी सीन्स तो फिल्म और इंटरेस्टिंग और क्रिस्प नजर आती कैमरा वर्क डिरेक्शन फिल्म का काफ़ी बढ़िया है वही फ़िल्म का सबसे बड़ा स्पेशल मेंशन है उसके बाद फिल्म का वेफ एक्स जिस तरह से उसके ऊपर काम किया हुआ है जो टाइम ट्रैवल का काम कामकाज था उसमें वेफ एक्स जिस तरह से सेट को डिजाइन किया हुआ था वो काफ़ी मारवेलस था इसके अलावा रिसेंट टाइम में जितनी भी फिल्में मैंने देखी हुई पिछले दस पंद्रह सालों में उसमें वन ऑफ दी बेस्ट वेफ एक्स इस फिल्म में यूज़ किए गए थे इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग देखने को मिलती वो भी बढ़िया है अलग अलग किरदार के लिए और फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी हर एक फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जिसको केयरफुल के साथ क्रिएट किया हुआ ऐसा महसूस हो रहा था ग्राफिक्स फिल्म का काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था जो एक फिल्म के स्क्रीन पे सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कन्विंसिंग और बिलीवेबल नजर बनाने में कामयाब रखती है इसके अलावा डायरेक्टर विक्रम कुमार ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है फिलहाल में जितनी भी टाइम ट्रैवल इंडिया में फिल्में बनी हुई है उसमें उन्होंने सबसे बेस्ट फिल्म बना के दी हुई है जहाँ पे उनकी जो लिखावट है उसके ऊपर उनका जो एग्जीक्यूशन है जिस तरह से किरदारों का उनको लिखावट दी गई है सूर्या के कैरेक्टर को तीन डिफरेंट किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ है वो इम्प्रेसिव था उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी साईफाई का एंगल इमोशंस वो सभी चीज़ें उन्होंने बढ़िया तरीके से मैनेज की हुई थी थ्रिलिंग मोमेंट रोमांस एक्शन ड्रामा कॉमेडी उसका मिश्रण अच्छी तरह से एड किया हुआ था जिसकी बदौलत एक टेक्निकल ब्रिलियंट फिल्म बनती है ये जहाँ पे ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म में सूर्या का जो ट्रिपल रोल है रेसी थ्रिलिंग सीन है एंगेजिंग कॉन्सेप्ट है वो सभी चीज़ें आपको आसानी से इंप्रेस कर जाएगी जहाँ पे सूर्य अपने स्टार डैम को आसानी से इस किरदार के परफॉर्मेंस के थ्रू आपको डिलीवर करते हुए नजर आएंगे और आपको इस फिल्म के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन हो या ना हो चाहे जितनी भी बड़ी एक्सपेक्टेशन रख लो ये फिल्म आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी ये फिल्म किसी भी टाइप की ऑडियंस को मेरी बात सुन लो किसी भी टाइप की ऑडियंस को कनेक्ट करेगी कोई भी ऑडियंस हो मास क्लास मिडिल ऑडियंस सर्टेन टाइप की कोई भी ऐसी ऑडियंस हो सबको ये फिल्म पसंद आने वाली है अब हम बात करें फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो उससे पहले मैं हम बात कर लेते थे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 6 मई 2016 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब अच्छे खासे स्क्रीन दी मिले थे फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म को एस्टिमेटली करीबन उन्नीस सौ पचास दो हज़ार स्क्रीन्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था यूए में यूएस में इस फिल्म को करीबन दो सौ सड़सठ वोट मिले हुए सॉरी स्क्रीन्स मिले हुए थे इस फिल्म के कुछ स्पेशल प्रीमियर्स रखे गए थे उसको पाँच मई दो में सेट किया गया था फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी करीबन चार से ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी तो इस तरह से एक अच्छे खासी स्क्रीन्स के साथ फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने एक मार्केटिंग गेम निकाली हुई थी जहाँ पे मार्केटिंग की हुई थी गेम के थ्रू ट्वेंटी फोर आर रन करके जिसको क्रिएटिव मंकी गेम्स वालों ने क्रिएट किया हुआ था जिसको आईओएस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एक मई दो को अवेलेबल किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को 6 मई 2016 को जब थिएटर में रिलीज किया गया तब तो क्या धमाका मचाया फिल्म ने फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गया जहाँ पे फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला जिसके बदौलत फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ग्रोथ की जहाँ पे बाईस हज़ार वोट मिले हुए आईएमडीबी पे डी वी पर फिल्म कोवर सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल है दस में से तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने कितने हद तक कितनी बढ़िया लेवल की रेटिंग हासिल की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने करीबन पहले वीकेंड में पचास करोड़ का इंडिया से ग्रोथ कलेक्शन निकाला हुआ था किसी तमिल लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन करना तब के समय काफी बड़ी बात थी जहां पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन था वहां से भी तमिलनाडु के, के करीब माना जा सकता है क्योंकि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड का पचास करोड़ का ओपनिंग वीकेंड था उसमें सत्रह करोड़ तेलुगु से आया था और उतना ही कुछ तमिलनाडु से आया हुआ था तो फिल्म अप्रोक्सीमेटली तमिलनाडु से एंटायर रन था लाइफ टाइम रन फिल्म का करीबन चालीस करोड़ का निकला था तो और फिल्म ने दिनों में मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद वो सभी सौ इकसठ स्क्रीन पे ही रिलीज की गई थी उस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ ये ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने करीबन दो लाख डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था और दो डॉलर यू में इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उसी टाइम जोन के दौरान और इस तरह से यूएस का लाइफ टाइम कलेक्शन एक पॉइंट छः मिलियन यूएस डॉलर निकल के आया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जहां पे इस फिल्म का बजट करीबन सत्तर करोड़ था बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने सौ करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया दो हज़ार सोलह में जहाँ पर इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रन लिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई और उसके बाद में आगे जाके जब थिएटर के बाद इस फिल्म को ओ और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया तब एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन चुकी थी जहाँ पर जो आथरिया वाला किरदार है वो पूरी तरह से कल्ट कैरेक्टर बन चुका था ओ टी, -टी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के ओ टी, -टी राइट से वो तमिल वर्जन के लिए अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए हिंदी वर्जन के लिए जी स्टूडियो के पास है वहीं पे तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म के राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉस्टार ने खरीदे हुए हैं जहां पर इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको अमेजन क्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी फोर नाम से देखने को मिलेगा तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को ट्वेंटी फोर नाम के साथ डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है जहां पे आप विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट को एनी मनी आप इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे 24 फिल्म का जो हिंदी वर्जन है यानी कि टाइम स्टोरी उसके राइट सी फाइफ के पास है तो ये फिल्म सी फाइफ के ऊपर टाइम स्टोरी के के नाम से बिल्कुल फ्री में विध इंग्लिश सब मिलेगी सिर्फ आपको जी के लॉग इन करना है और टाइम स्टोरी फिल्म आसानी से आप फ्री में कर पाओगे तो इस इस तरह से फिल्म को आप ओटीटी के ऊपर इंजॉय कर पाओगे वहीं पर सेटेलाइट के ऊपर जी सिनेमा और जी सिनेमा एच के ऊपर ये फिल्म टाइम स्टोरी के नाम से हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक ट्वेंटी जो 2016 की तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है इस फिल्म को तमिल तेलुगु और हिंदी तीन वर्जन में रिलीज किया गया है जहाँ पर तमिल मेन वर्जन है तेलुगु और हिंदी डब्ड वर्जन है हिंदी वर्जन को डायरेक्ट टेलीविज़न और ओ टी पे प्रीमियर करवाया गया था वहीं पर तेलुगु डब्ड वर्ज़न को साथ ही में थिएटर में सेम नाम के साथ रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए ट्वेंटी नाम दिया गया था वहीं पर हिंदी वर्जन के लिए टाइम स्टोरी नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो जोनर है साइंस फिक्सन एक्शन ड्रामा वहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से जस्टिफाई करती हुई नजर आती है फिल्म की कहानी विक्रम कुमार ने लिखी हुई है उसके ऊपर जो स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग डायलॉग डिरेक्शन ये सभी चीज़ें विक्रम कुमार ने ही की हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर यानी कि सूर्या ने खुद जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया था फिल्म का बजट करीबन सत्तर करोड़ बताया जा रहा है जहाँ पे इस फिल्म को टू एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सूर्या और उनकी वाइफ ज्योतिका ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था एरोज एंटरटेनमेंट और स्टूडियो ग्रीन ने तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिसके तहत इस फिल्म को तेलुगु और तमिल वर्जन में वर्ल्ड वाइड रिलीज करवाया गया था इस फिल्म के लीड रोल में सूर्या समंतारुद प्रभु और नित्या मेनन देखने को मिलेंगे इनके अलावा सरण् पोनवानन अजय गिरीश करनाद मोहन रमन सुधा सत्यान चार्ल अपुकुट्टी हर्षावर्धन नटराजन बालाकृष्णन और टी एस रगनाथन देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है तिरु ने एडिटिंग की हुई प्रवीण पुरी ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्ट में बैकग्राउंड स्कोर है वो ए आर रहमान और कुतुबी कृपा ने मिलकर कंपोज किया हुआ है जो फिल्म के गाने हैं वो ए आर रहमान ने अकेले मिलकर कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म के गानों के राइट्स है वो हीरोज म्यूजिक के पास है तमिल तेलुगू और हिंदी तीनों वर्जनस के लिए वहीं पर इस फिल्म के जो गाने तमिल में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे एक बोनस ट्रैक भी ऐड किया हुआ है तेलुगू में भी छः जहाँ पे भी एक बोनस ट्रैक ऐड किया हुआ है लेकिन हिंदी में तीन गाने सुनने को मिलेंगे डब्ड वर्जन में तो इस तरह से सभी गानों के ऊपर काम किया गया था जिसके ऊपर डीपी में में आपको आगे बताऊंगा। अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्री प्रोडक्शन से स्टार्ट करते अगस्त 2009 हज़ार जहाँ पे डायरेक्टर विक्रम कुमार ने अनाउंस किया था कि वो एक 24 टाइटल के साथ फिल्म बनाने वाले जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे मोहन नटराजन और इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे विक्रम और उसके बाद में बताया गया था कि हरीश जयराज इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक कंपोजिशन करने वाले पी सी श्रीन राम इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करेंगे 2009 के एंड में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी ए वी एम स्टूडियो चेन्नई में और इस फिल्म की कास्ट को भी पूरी तरह से सेट से कर लिया गया था एक डेंस फॉरेस्ट का सेट भी क्रिएट कर लिया गया था और उन सभी चीज़ों के साथ फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी लेकिन विक्रम ने इस फिल्म के लिए विक्रम के साथ डायरेक्टर ने अपोजिट इलियाना डिक्रूज को कास्ट किया हुआ था और इस फिल्म का अनाउंसमेंट होने के बाद उन्होंने इस फिल्म को बाद में फिर से ड्रॉप करवा दिया गया था और उसके बाद में विक्रम ने क्लेरिफाई किया कि वो इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी जिस वजह से उसको यानी कि एक्टर विक्रम की और प्रोड्यूसर दोनों ने मिलकर इलियाना डिक्रूज को रिजेक्ट किया हुआ है बाद में फिल्म के कुछ अदर रीजंस भी दिखाए गए थे जहाँ पे डायरेक्टर ने पूरी तरह से स्क्रिप्ट के साथ जो काम कंप्लीट किया हुआ था वहाँ पे वो सभी चीज़ों को प्रोवाइड करने में हमारे सामने फेल रहे थे और फिल्म का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी हाई जा रहा था हर बार बढ़ रहा था जिसके चलते डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में काफ़ी क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे जिसके बदौलत ये फिल्म का प्रोजेक्ट वहाँ पे रुक चुका था जहाँ पे उसके बाद में इस फिल्म को फिर से डेवलप किया गया जहाँ पे जून दो सॉरी अगस्त 2014 में सूर्या ने अपने प्रोडक्शन कंपनी टूडे एंटरटेनमेंट के नीचे एक अनाउंसमेंट की अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के तहत जहाँ पे बताया गया कि वो इस फिल्म को बनाने वाले जहाँ पे इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया है जहाँ पे उनके ओरा उर्ब से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया है अक्टूबर दो को ए रहमान को म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर साइन किया गया एक्टर सूर्या ने कन्फर्म किया कि वो इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का जो मेन प्लॉट है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि विक्रम के साथ जो फिल्म बनने वाली थी वहाँ पे उसमें थोड़े चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि फिल्म चार पाँच साल बाद अब बनने वाली है तो उस वजह से थोड़े चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे स्क्रीन प्ले और जो डायमेंसन है उसमें थोड़ा नेरेशन में थोड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है ये सभी चीज़ें सूर्या ने एक इंटरव्यू के तहत कही हुई थी उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो प्लॉट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जहाँ पे ह्यूमन जिस तरह से टाइम को कंट्रोल करता है उन सभी चीज़ों के ऊपर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर उस पावर के ऊपर इस फिल्म को बनाया जाएगा जो फिल्म का कोर थीम होने वाला है ट्वेंटी फोर फिल्म का उसके बाद में कैरेक्टर के ऊपर बातचीत करें तो बताया गया था कि सूर्या इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे उनके टोटल पाँच अपीरेंस के तीन रोल के साथ देखने को मिलेंगे और वन ऑफ दी रोल उनका सबसे बड़ा इंटागोनिस इस फिल्म का साबित होगा जहाँ पे इस फिल्म में उनके पाँच छः लुक डिज़ाइन किए गए थे उस किरदार के लिए उस एंटागनिस्ट के किरदार का नाम अथरिया रखा गया था जहाँ पे वो एक स्मार्ट बंदा बताया गया था जो अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म में के लिए एक्ट्रेस के लिए कैथरीन त्रेसा को साइन किया गया था फीमेल लीड के रोल पे लिए उनको साइन करने का फैसला लिया जा रहा था लेकिन फाइनली फरवरी 2015 में समंता रुद्रभु को इस फिल्म के किरदार के, के लिए साइन किया गया नित्या मेनन को इस फिल्म में सेकंड लीडिंग रोल के लिए साइन किया गया था उसके बाद में समंता और नित्या ने इस फिल्म के साथ आ, काम जो किया हुआ था जो सूर्या का किरदार था दो अलग अलग किरदार के साथ उन्होंने अलग अलग एक्ट्रेस ने अलग अलग टाइम जोन के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे समंता के अपोजिट जिस तरह जो मनी का किरदार लिखा हुआ था नित्या मेनन के अपोजिट जो सेतु रमन का किरदार था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आया था सरण परमनन को इस फिल्म में माँ के किरदार के लिए यानी कि माँ की मनी के माँ का रोल दिया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फो मुंबई 8 अप्रैल 2015 से स्टार्ट की गई थी जहां पर एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ नासिक में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था करीबन अर्ली जून 2015 में कुछ सीन से फिल्म के फिल्म स्टूडियो में शूट किए गए थे गोरेगांव में वीएफएक्स का जो काम है वही सेम स्टूडियो में सेप्टेम्बर दो को करवाया गया था नित्या मेनन ने अपना पोर्शन का करीबन एक अगस्त 2015 से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको सितंबर 2015 तक कंप्लीट करवाया हुआ था मिड सितंबर 2015 तक के तक इस फिल्म का 20 दिनों का शेड्यूल सेट किया गया था पोलैंड में और वहाँ पे कास्ट एंड क्रू मेंबर को ले जाया गया और वहाँ पे कुछ एक्शन सीक्वेंस थे कुछ सॉन्ग्स थे वो क्रैक जेब्रो माउंटेन सकोपाने लेबा लेविन क्लोंडे सेडिना जद्रोज वाल ब्रिज ब्लूवीज नोवे ब्रेस्गो करके इसे अलग अलग पोलैंड के लोकेशन से वहाँ पे शूट किया गया था इस फिल्म की जो लाइटिंग है वो प्रोवाइड की गई थी क्रेज़गो कंपनी सीने लाइट की तरफ से और पोलैंड में काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था उसको 30 सितंबर 2015 तक कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में 26 अक्टूबर 2015 को इस फिल्म के कुछ इम्पोर्टेंट सीक्वेंस को शुभांता रॉयस सहारा स्टेडियम पुणे में शूट किया गया था जहां पे उसको एक सिंगल दिन में पूरी तरह से कंप्लीट किया हुआ था जो एम एस धोनी वाला सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ इसी के मंथ के एंड में इसी मंथ के एंड में फिल्म का लास्ट शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसको आदित्य राम स्टूडियो चेन्नई में रखा गया था दो नवंबर 2015 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग का काम कंप्लीट करवाया गया था तो इस फिल्म को शूट करने में करीबन 100 से ज़्यादा का दिनों का टाइम लगा था जहां पे 30 दिनों का टाइम फिल्म का शूटिंग का आउट ऑफ कंट्री रखा गया था यानी कि बाहर देश 30 दिन शूट किया गया था 70 दिन इस फिल्म का इंडिया में शूट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में करीबन साठ से ज़्यादा बी का काम देखने को मिला था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स में आर रहमान का म्यूजिक देखने को मिलेगा जहां पे इन फिल्म के गानों को पंचतन रिकॉर्ड इन चेन्नई ए एम स्टूडियो चेन्नई ए आर स्टूडियो मुंबई पंचतन हॉलीवुड स्टूडियो लॉस एंजलिस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे दो हज़ार के बीच में इनको रिकॉर्ड किया गया था आठ अप्रैल दो को इन सभी गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली ईरोज म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल तेलगू और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था टोटल गानों की लेंथ थी वो पच्चीस मिनट बावन सेकंड थी फिल्म का जो ट्रेक लिस्ट है उसके बारे में बताओ तो पहला गाना नान ओन जिसके लिरिक्स मादन कारके ने लिखे हुए थे सिंगर थे अरिजीत सिंह चिनमयी दूसरा गाना मे निंगारा जिसके लिरिक्स लिखे माधन कार्के ने सिंगर थे सिद्ध श्री राम सनंत मिथुति और जोनिता गांधी तीसरा गाना पुनागे जिसके लिरिक्स लिखे वैरा मुथु ने सिंगर थे हरिचरण ससा तिरुपति चौथा गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कार्के ने सिंगर थे शक्ति श्री गोपालन पांचवां गाना है ट्विन ब्रदर जिसके लिरिक्स लिखे विक्रम कुमार ने सिंगर थे श्रीनिवासकृष्णन हृदय कत्तनी छठा गाना है कालामी कर डाली जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाई मुरुथु ने सिंगर थे बेनी दयाल शस्वत सिंह और अभय जोधपुर कर तो इस तरह से टोटल छः गाने इसके अलावा एक बॉन्स ट्रैक था ट्वेंटी फोर कैरेट जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कारके ने सिंगर थे अर्जुन चांडे तो इस तरह से तमिल का एक एक साउंड ट्रैक क्रिएट किया गया था जिसको आप फिलहाल में तमिल तेलुगु और हिंदी तीन वर्जन में यूट्यूब पेज इन म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया गया है वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सूर्या ने ट्रिपल रोल प्ले किए हुए एक डॉक्टर सेतु रमन जो आथ्रे का यंग ट्विन ब्रदर है एक साइंटिस्ट है जो टाइम ट्रैवलिंग ट्वेंटी फोर वॉच है उसके साथ उसका इन्वेंशन उन्होंने किया हुआ है और मनी का बायोलॉजिकल फादर है आथ्रेया जिसका नाम है एक किरदार का मेन एंटागोनिस्ट का वो रोल सेतुरम सूर्या ने ही प्ले किया हुआ है जो सेतुरमन का ओल्डर ट्विन ब्रदर है जहाँ पे वो ट्वेंटी फोर टाइम ट्रैवल वाला वॉच है उसको वो हथियाना चाहता है और मनी का बायोलॉजिकल अंकल है वहीं पे मणिकंदन यानी कि मनी जो सुब्रमणि एके सुब्रमण्य के नाम से जाना जाता है जो सेतु रमन का बेटा है और आत्रेय का नेफ्यू है सवंता रूप प्रभु ने इस फिल्म में सत्य भामा एके सत्या का रोल प्ले किया हुआ है जो मनी का लव इंटरेस्ट है उनका वॉइस और तमिल वर्जन के लिए चिन महीने डब किया गया था नित्या मेनन ने प्रिया सेतु रमन का रोल प्ले किया हुआ है सेतु रमन की वाइफ का किरदार था जो मनी के बायोलॉजिकल मदर है सरणिया पोनवान ने सत्या भामा का रोल प्ले किया हुआ है जो मनी के अडोप्टिड मदर है अजय ने मिथरन का रोल प्ले किया हुआ है जो आथरे का ट्रस्टेड साइड की है गिरीश कर्नाड ने इस फिल्म में सत्या के, के ग्रैंड का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने सत्या के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सुधा ने सत्या की माँ का रोल प्ले किया हुआ है सत्या ने इस फिल्म में सर्वानंद यानी कि मनी के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है चार्ल ने इस फिल्म में रेडियार का रोल प्ले किया हुआ है अपू कुट्टी ने इस फिल्म में स्टाफ का रोल प्ले किया हुआ हर्षवर्धन ने कलाई का रोल प्ले किया हुआ था इलेक्ट्रीशियन वाला जो कि अंकल का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम कहानी के ऊपर बातचीत करें तो शिवा कुमार यानी कि सूर्या एक साइंटिस्ट है जिन्होंने वॉच क्रिएट की हुई है जहाँ पे वो आने वाले समय में काफ़ी एक इस वॉच के थ्रू काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक देश के लिए भला कर सकते हैं जहाँ पे शिवा का भाई यानी कि अथरिया जो सूर्या ही वो रौ रोल प्ले कर रहे हैं वो उस वॉच को पाने के लिए शिवा और उसकी वाइफ यानी कि नित्या मेनन को मारने के लिए जाता है जहाँ पे वो उसको मार देता है लेकिन लकीली शिवा कुमार किसी तरह से बचकर वो सेफ गार्ड की मदद से वहाँ से भाग निकलते हैं उसका एक छोटा बच्चा है जिसको वो सरण्या नाम की जो लेडी होती है सरण्या पौनवानंद जो उसकी रोटिव मदर बनती है उसके बाद में उसको देकर वो निकल जाता है जहाँ पे पच्चीस साल के बाद अथ्रिया फिर से आ जाता है जहाँ पे वो वही वॉच के फिराक में जहाँ पे वो वॉच फ़िलहाल में मनी के पास है जहाँ पे वो शिव शिवा का बेटा है और उस वॉच को पाने के लिए अब वो मनी के क्लोज आने की कोशिश करता है जहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान मनी को इस वॉच का पावर पता चलता है और अथरिया का एविल इंटेंशन भी पता चलता है और इस वॉच को किस तरह से एक अलग लेवल पे ले जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है मनी किस तरह से इन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा अपने अंकल यानी कि अथरिया से किस तरह से बचेगा वही फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी बढ़िया था नो no डाउट इसके ऊपर काफी सारी फिल्में आई हुई है तो इसके ऊपर कुछ अलग करके दिखाना थोड़ा मुश्किल है नहीं थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन डायरेक्टर ने बखूबी निभाया हुआ था जिस तरह से फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था जिस तरह से एक तीन किरदार लिखे हुए थे विक्रम कुमार ने उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था इस फिल्म के प्रोजेक्ट को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया था वो बढ़िया था इस फिल्म का आइडिया नरेशन का जो स्टाइल वो सभी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट थी, थी। फिलहाल में अगर आप ये दो की फिल्म है दो में लिखी गई थी लेकिन दो हज़ार बाईस कभी भी देखोगे एक बढ़िया तरीके से उन्होंने एक मैनर अच्छे खासे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के साथ उन सभी चीज़ों को लिखा हुआ है जहाँ पे वो सभी चीज़ें क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जिससे अंदर लगाया जा सकता है कि एक, एक एवरगिन कल्ट क्लासिक साइंस फिक्शन फिल्म बन चुकी है जहाँ पे फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जिस तरह से हमारे साथ ये फिल्म थ्रिलिंग मोमेंट एंटरटेनमेंट इमोशन एक्शन ड्रामा रोमेंस सभी चीज़ों का एक मिश्रण डालती हुई नज़र आती है उसमें जो साइंस फिक्शन का एक तड़का लगता है वो सभी चीज़ें टाइम ट्रैवल के साथ जिस तरह से जोड़ी जाती है वो परफेक्ट थी ट्वेंटी फोर फिल्म अगर सूर्या के अलावा आप दूसरे एक्टर के साथ देखे तो उतना कुछ खास हमें पसंद नहीं आएगा लेकिन जिस तरह से सूर्या ने उसमें वो किरदार निभाए हुए उस वजह से ये फिल्म और नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है जहाँ पे कह सकते हैं कि 2016 तक सूर्या की जितनी भी फिल्में आई हुई थी वहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई थी खास करके आथ्रिया का रोल जिस तरह से वो डिलीवर करते वो आपका दिल पूरी तरह से जीत लेते टोटल तीन किरदार प्ले किए हुए हैं तीनों के रोल काफ़ी अलग अलग है और वो आसानी से डिफ्रेंशिएट करने में हमारे सामने कामयाब रहे हैं सूर्या ने अपने स्क्रीन प्रेजेंस से अपने मेनेसिंग नेगेटिव रोल के साथ जिस तरह से स्क्रीन प्ले हमारे सामने पेश किया हो जिस तरह से वो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो हमें ज़रूर पसंद आते हैं उनके वेरिएशंस उसके दर के थ्रू पूरी तरह से एक अवॉर्ड विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते देखने लायक पर फिल्म को और बेहतर बनाते फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी नेल बाइटिंग सीन्स के साथ दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म के इंटरवल पे जिस तरह से चीज़ों को दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ था फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू कैमरा वर्क वी एफ इतना बढ़िया तरीके से एलिवेट किया हुआ है जो फिल्म को काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट देता है फिल्म का जो प्रोडक्शन था उसको परफेक्ट वे में जस्टिफाई करता है समन्था को जो रोल दिया गया था वहाँ पर वो बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री सूर्य के साथ काफ़ी डिसेंट नजर आ रही थी फिल्म का क्लाइमैक्स अभी बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से हमारे सामने एक प्रॉपर कन्विंसिंग मैनर में एग्जीक्यूट किया हुआ था जो सभी चीज़ें स्क्रीन पे एक बढ़िया तरीके से दिखाई गई है जहाँ पे स्क्रीन पे ज़्यादातर चीज़ों को लॉजिक के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म में जो वेरियस थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं टाइम ट्रैवल वॉच के हिसाब से जिस तरह से उसको सेट किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का जो ड्रॉब्रेक है उसको बात करें तो म्यूज़िक बोल सकते हैं म्यूज़िक ए रहमान का है लेकिन जो सॉन्ग्स है वो उतने अप टू द मार्क नहीं है जो फिल्म का कंटेंट था जिस तरह से फिल्म को नेरेट किया हुआ है उसमें स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो भी फिल्म का डिसेंट था लेकिन वो सॉन्ग्स से उसके मुकाबले फ़िल्म का म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था इसके अलावा कुछ ऑडियंस इस फिल्म के लॉजिक के तहत जाएगी लेकिन प्रॉपर वे में अगर लॉजिक के साथ देखने बैठोगे और फिल्म को कुछ ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी अंडर समझने के लिए थोड़ी कॉन्फ्यूजिंग नज़र आ सकती है अदरवाइज फिल्म काफ़ी बढ़िया है इस फिल्म में जो लव ट्रैक दिखाया हुआ समंता का सूर्या का उसको फर्स्ट हाफ में जिस तरह दिखाया हुआ था सेकंड हाफ में उतना बेहतर वे में उसको हमारे सामने पेश नहीं किया जाता है कुछ चीज़ें थी ऐसी थी फिल्म के फर्स्ट सेकंड हाफ़ में जहाँ पे उसे आसानी से चोपआउ किया जा सकती थी जहाँ पे वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहती अगर वो सभी चीज़ें हट जाती अननेसेसरी सीन्स तो फिल्म और इंटरेस्टिंग और क्रिस्प नजर आती कैमरा वर्क डिरेक्शन फिल्म का काफ़ी बढ़िया है वही फ़िल्म का सबसे बड़ा स्पेशल मैंसन है उसके बाद फिल्म का वेफ एक्स जिस तरह से उसके ऊपर काम किया हुआ जो टाइम ट्रैवल का काम का था उसमें वेफ एक्स जिस तरह से सेट को डिजाइन किया हुआ था वो काफ़ी मार्वेलस था इसके अलावा रिसेंट टाइम में जितनी भी फिल्में मैंने देखी हुई पिछले दस पंद्रह सालों में उसमें वन ऑफ द बेस्ट वेफ एक्स इस फिल्म में यूज़ किए गए थे इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग देखने को मिलती वो भी बढ़िया है अलग अलग किरदार के लिए और फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी हर एक फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जिसको केयरफुल के साथ क्रिएट किया हुआ ऐसा महसूस हो रहा था ग्राफिक्स फिल्म का काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था जो एक फिल्म के स्क्रीन पे सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कन्विंसिंग और बिलीवेबल नजर बनाने में कामयाब रखती है इसके अलावा डायरेक्टर विक्रम कुमार ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है फिलहाल में जितनी भी टाइम ट्रैवल इंडिया में फिल्में बनी हुई है उसमें उन्होंने सबसे बेस्ट फिल्म बना के दी हुई है जहाँ पे उनकी जो लिखावट है उसके ऊपर उनका जो एग्जीक्यूशन है जिस तरह से किरदारों का उनको लिखावट दी गई है सूर्या के कैरेक्टर को तीन डिफरेंट किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ है वो इम्प्रेसिव था उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी साईफाई का एंगल इमोशंस वो सभी चीज़ें उन्होंने बढ़िया तरीके से मैनेज की हुई थी थ्रिलिंग मोमेंट रोमांस एक्शन ड्रामा कॉमेडी उसका मिश्रण अच्छी तरह से एड किया हुआ था जिसकी बदौलत एक टेक्निकल ब्रिलियंट फिल्म बनती है ये जहाँ पर ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म में सूर्या का जो ट्रिपल रोल है रेसी थ्रिलिंग सीन है एंगेजिंग कॉन्सेप्ट है वो सभी चीज़ें आपको आसानी से इंप्रेस कर जाएगी जहाँ पे सूर्य अपने स्टार डैम को आसानी से इस किरदार के परफॉर्मेंस के थ्रू आपको डिलीवर करते हुए नजर आएंगे और आपको इस फिल्म के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन हो या ना हो चाहे जितनी भी बड़ी एक्सपेक्टेशन रख लो ये फिल्म आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी ये फिल्म किसी भी टाइप की ऑडियंस को मेरी बात सुन लो किसी भी टाइप की ऑडियंस को कनेक्ट करेगी कोई भी ऑडियंस हो मास क्लास मिडिल ऑडियंस सर्टेन टाइप की कोई भी ऐसी ऑडियंस हो सबको ये फिल्म पसंद आने वाली है अब हम बात करें फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो उससे पहले मैं हम बात कर लेते थे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 6 मई 2016 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब अच्छे खासे स्क्रीन दी मिले थे फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म को एस्टिमेटली करीबन उन्नीस सौ स्क्रीन्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था यूए में यूएस में इस फिल्म को करीबन दो सौ वोट मिले हुए स्वर स्क्रीन्स मिले हुए थे इस फिल्म के कुछ स्पेशल प्रीमियर्स रखे गए थे उसको पाँच मई दो में सेट किया गया था फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी करीबन चार से ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी तो इस तरह से एक अच्छे खासी स्क्रीन्स के साथ फिल्म को रिलीज करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने एक मार्केटिंग गेम निकाली हुई थी जहाँ पे मार्केटिंग की हुई थी गेम के थ्रू ट्वेंटी फोर आर रन करके जिसको क्रिएटिव मंकी गेम्स वालों ने क्रिएट किया हुआ था जिसको आईओएस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एक मई दो को अवेलेबल किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को 6 मई 2016 को जब थिएटर में रिलीज किया गया तब तो क्या धमाका मचाया फिल्म ने फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गया जहाँ पे फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला जिसके बदौलत फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ग्रोथ की जहाँ पे बाईस हज़ार वोट मिले हुए आईएमडीबी पे फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल है दस में से तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने कितने हद तक कितनी बढ़िया लेवल की रेटिंग हासिल की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने करीबन पहले वीकेंड में पचास करोड़ का इंडिया से ग्रोथ कलेक्शन निकाला हुआ था किसी तमिल लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन करना तब के समय काफ़ी बड़ी बात थी जहाँ पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन था वहाँ से भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन का निकल के आया हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से इस फिल्म ने करीबन ओपनिंग वीकेंड 17 करोड़ के आसपास का लिया हुआ था जो तमिलनाडु के ओपनिंग वीकेंड के करीब माना जा सकता है क्योंकि फिल्म का वर्ल्ड वाइड का पचास करोड़ का ओपनिंग वीकेंड था उसमें सत्रह करोड़ तेलुगु से आया था और उतना ही कुछ तमिलनाडु से आया हुआ था तो फिल्म ने एप्रोक्सीमेटली तमिलनाडु से एंटायर रन था लाइफ टाइम रन फिल्म का करीबन चालीस करोड़ का निकला था और में फिल्म ने तीन दिनों में एक मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद वो सभी चीज़ें एक सौ इकसठ स्क्रीन पे ही रिलीज़ की गई थी उस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ यू ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने करीबन दो, दो लाख डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था और एक सौ सत्तासी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था एक एक लाख सत्तासी हज़ार और दो सौ डॉलर यू ए में इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उसी टाइम जोन के दौरान और इस तरह से यूएस का लाइफ टाइम कलेक्शन एक पॉइंट छः मिलियन यूएस डॉलर निकल के आया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जहां पे इस फिल्म का कर बजट करीबन सत्तर करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने सौ करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया 2016 में जहां पे इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रन लिया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई और उसके बाद में आगे जाके जब थिएटर के बाद इस फिल्म को ओ और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया तब एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन चुकी थी जहाँ पे जो आथिर वाला किरदार है वो पूरी तरह से कल्ट कैरेक्टर बन चुका था ओ टी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के ओ टी राइट से वो तमिल वर्जन के लिए Amazon प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए हिंदी वर्जन के लिए जी स्टूडियो के पास है वहीं पे तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म के राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉस्टार ने खरीदे हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको अमेजन क्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी फोर नाम से देखने को मिलेगा तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को ट्वेंटी फोर नाम के साथ डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट को एनी मनी आप इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर ट्वेंटी फोर फिल्म का जो हिंदी वर्जन है यानी कि टाइम स्टोरी उसके राइट सी फाइव के पास है तो ये फिल्म सी फाइफ के ऊपर टाइम स्टोरी

एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर हिंदी वर्जन डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा और uh, सॉरी तेलुगु वर्जन डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे हिंदी वर्जन है वो टाइम स्टोरी नाम के साथ डब करवाया गया है जिसको जी फाइव के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल फिर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको हिंदी वर्जन टाइम स्टोरी नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप ट्वेंटी फोर या टाइम स्टोरी फिल्म तेलुगु तमिल और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे ट्वेंटी फोर जो 2016 की तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है इस फिल्म को तमिल तेलुगु और हिंदी तीन वर्ज़न में रिलीज़ किया गया है जहाँ पे तमिल मेन वर्जन है तेलुगु और हिंदी डब्ड वर्जन है हिंदी वर्जन को डायरेक्ट टेलीविज़न और ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया था वहीं पे तेलुगु डब्ड वर्ज़न को साथ ही में थिएटर में सेम नाम के साथ रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को तमिल और तेलुगु वर्ज़न के लिए ट्वेंटी फोर नाम दिया गया था वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए टाइम स्टोरी नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो जोनर है साइंस फिक्सन एक्शन ड्रामा वहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से जस्टिफाई करती हुई नजर आती है फिल्म की कहानी विक्रम कुमार ने लिखी हुई है उसके ऊपर जो स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग डायलॉग डन ये सभी चीज़ें विक्रम कुमार ने ही की हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर यानी कि सूर्या ने खुद जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया था फिल्म का बजट करीबन सत्तर करोड़ बताया जा रहा है जहाँ पे इस फिल्म को टू एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सूर्या और उनकी वाइफ ज्योतिका ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था एरोज एंटरटेनमेंट और स्टूडियो ग्रीन ने तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिसके तहत इस फिल्म को तेलुगु तमिल वर्जन में वर्ल्ड वाइड रिलीज करवाया गया था इस फिल्म के लीड रोल में सूर्या समंता प्रभु और नित्या मेनन देखने को मिलेंगे इनके अलावा सरन्या पोनवानन अजय गिरीश करनाद मोहन रमन सुधा सत्यान चार्ल अपुकुट्टी हर्षवर्धन नटराजन बालाकृष्णन और टी एस देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है तिरु ने एडिटिंग की हुई प्रवीण पुड़ी ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो ए आर और कुतुबी कृपा ने मिलकर कंपोज किया हुआ है जो फिल्म के गाने वो ए आर रहमान ने अकेले मिलकर कंपोज किए हुए जहाँ पे इस फिल्म के गानों के राइट्स से वो हीरोज म्यूज़िक के पास है तमिल तेलुगू और हिंदी तीनों वर्जनस के लिए वहीं पे इस फिल्म के जो गाने तमिल में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे एक बोनस ट्रैक भी ऐड किया हुआ है तेलुगू में भी छः जहाँ पर भी एक बोनस ट्रैक ऐड किया हुआ है लेकिन हिंदी में तीन गाने सुनने को मिलेंगे डब्ड वर्जन में तो इस तरह से सभी गानों के ऊपर काम किया गया था जिसके ऊपर डी में मैं आपको आगे बताऊँगा अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रिय प्रोडक्शन से स्टार्ट करते अगस्त 2009 हजार जहाँ पे डायरेक्टर विक्रम कुमार ने अनाउंस किया था कि वो एक 24 टाइटल के साथ फिल्म बनाने वाले जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे मोहन नटराजन और इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे विक्रम और उसके बाद में बताया गया था कि हरीश जयराज इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक कंपोजिशन करने वाले पी सी श्रीराम इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी करेंगे 2009 के एंड में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी ए वी एम स्टूडियो चेन्नई में और इस फिल्म की कास्ट को भी पूरी तरह से सेट कर लिया गया था एक डेंस फॉरेस्ट का सेट भी क्रिएट कर लिया गया था और उन सभी चीज़ों के साथ फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी लेकिन विक्रम ने इस फिल्म के लिए विक्रम के साथ डायरेक्टर ने अपोजिट इलियाना डिक्रूस को कास्ट किया हुआ था और इस फिल्म का अनाउंसमेंट होने के बाद उन्होंने इस फिल्म को बाद में फिर से ड्रॉप करवा दिया गया था और उसके बाद में विक्रम ने क्लेरिफाई किया कि वो इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी जिस वजह से उसको यानी कि एक्टर विक्रम की और प्रोड्यूसर दोनों ने मिलकर इलियाना डिक्रूस को रिजेक्ट किया हुआ है बाद में फ़िल्म के कुछ अदर रीजंस भी दिखाए गए थे जहाँ पे डायरेक्टर ने पूरी तरह से स्क्रिप्ट के साथ जो काम कम्प्लीट किया हुआ था वहाँ पर वो सभी चीज़ों को प्रोवाइड करने में हमारे सामने फेल रहे थे और फिल्म का जब प्रोडक्शन था वो काफ़ी हाई जा रहा था हर बार बढ़ रहा था जिसके चलते डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में काफ़ी क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे जिसके बदौलत ये फिल्म का प्रोजेक्ट वहाँ पर रुक चुका था जहाँ पे उसके बाद में इस फिल्म को फिर से डेवलप किया गया जहाँ पे जून 2000 सॉरी अगस्त 2014 में सूर्या ने अपने प्रोडक्शन कंपनी टूडे एंटरटेनमेंट के नीचे एक अनाउंसमेंट की अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के तहत जहाँ पे बताया गया कि वो इस फिल्म को बनाने वाले जहाँ पे इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया है जहाँ पे उनके ओरा के हिसाब से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया है अक्टूबर 2014 को ए रहमान को म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर साइन किया गया एक्टर सूर्या ने कन्फर्म किया कि वो इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का जो मेन प्लॉट है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि विक्रम के साथ जो फिल्म बनने वाली थी वहाँ पे उसमें थोड़े चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि फिल्म चार पाँच साल बाद अब बनने वाली है तो उस वजह से थोड़े चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे स्क्रीन प्ले और जो डायमेंसन है उसमें थोड़ा नेरेशन में थोड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है ये सभी चीज़ें सूर्या ने एक इंटरव्यू के तहत कही हुई थी उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो प्लॉट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जहाँ पे ह्यूमन जिस तरह से टाइम को कंट्रोल करता है उन सभी चीज़ों के ऊपर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर उस पावर के ऊपर इस फिल्म को बनाया जाएगा जो फिल्म का कोर थीम होने वाला है ट्वेंटी फोर फिल्म का उसके बाद में कैरेक्टर के ऊपर बातचीत करें तो बताया गया था कि सूर्या इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे उनके टोटल पाँच अपीरेंस इसके तीन रोल के साथ देखने को मिलेंगे और वन ऑफ द रोल उनका सबसे बड़ा एंटागोनिस्ट इस फिल्म का साबित होगा जहाँ पे इस फिल्म में उनके पाँच छः लुक डिज़ाइन किए गए थे उस किरदार के लिए उस एंटागनिस्ट के किरदार का नाम अथरिया रखा गया था जहाँ पे वो एक स्मार्ट बंदा बताया गया था जो अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म में के लिए एक्ट्रेस के लिए कैथरीन त्रेशा को साइन किया गया था फीमेल लीड के रोल पे लिए उनको साइन करने का फैसला लिया जा रहा था लेकिन फाइनली फरवरी 2015 में समंता रुद प्रभु को इस फिल्म के किरदार के, के लिए साइन किया गया नित्या मेनन को इस फिल्म में सेकंड लीडिंग रोल के लिए साइन किया गया था उसके बाद में समंता और नित्या ने इस फिल्म के साथ आ, काम जो किया हुआ था जो सूर्या का किरदार था दो अलग अलग किरदार के साथ उन्होंने अलग अलग एक्ट्रेस ने अलग अलग टाइम जोन के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे समंता के अपोजिट जिस तरह जो मनी का किरदार लिखा हुआ था नित्या मेनन के अपोजिट जो सेतु रमन का किरदार था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आया था सरण पौरवानन को इस फिल्म में माँ के किरदार के लिए यानी कि माँ की मनी के माँ का रोल दिया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फो मुंबई 8 अप्रैल 2015 से स्टार्ट की गई थी जहां पर एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ नासिक में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था करीबन अर्ली जून 2015 में कुछ सीन से फिल्म के फिल्म स्थान स्टूडियो में शूट किए गए थे गोरेगांव में वीएफएक्स का जो काम है वही सेम स्टूडियो में सेप्टेम्बर दो को करवाया गया था नित्या मेनन ने अपना पोर्शन का करीबन एक अगस्त 2015 से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको सितंबर 2015 तक कंप्लीट करवाया हुआ था मिड सितंबर 2015 तक के तक इस फिल्म का 20 दिनों का शेड्यूल सेट किया गया था पोलैंड में और वहाँ पे कास्ट एंड क्रू मेंबर को ले जाया गया और वहाँ पे कुछ एक्शन सीक्वेंस थे कुछ सॉन्ग्स थे वो क्रैक जेब्रो माउंटेन सकोपाने लेबा लिविन क्लोंडे सेडिना जद्रोज वाल ब्रिंच नोवे ब्रेसगो करके ऐसे अलग अलग पोलैंड के लोकेशन से वहाँ पे शूट किया गया था इस फिल्म की जो लाइटिंग है वो प्रोवाइड की गई थी क्रेसगो कंपनी सीने लाइट की तरफ से और पोलैंड में काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था उसको 30 सितंबर 2015 तक कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में 26 अक्टूबर 2015 को इस फिल्म के कुछ इम्पोर्टेंट सीक्वेंस को शुभांता रॉयस सहारा स्टेडियम पुणे में शूट किया गया था जहां पे उसको एक सिंगल दिन में पूरी तरह से कम्प्लीट किया हुआ था जो एम एस धोनी वाला सिकवेंस आपको देखने को मिलता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ इसी के मंथ के एंड में इसी मंथ के एंड में फिल्म का लास्ट शेड्यूल सेट किया गया था जहां पे उसको आदित्य स्टूडियो चेन्नई में रखा गया था दो नवंबर 2015 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग का काम कंप्लीट करवाया गया था तो इस फिल्म को शूट करने में करीबन 100 से ज़्यादा का दिनों का टाइम लगा था जहां पे 30 दिनों का टाइम फिल्म का शूटिंग का आउट ऑफ कंट्री रखा गया था यानी कि बाहर देश 30 दिन शूट किया गया था 70 दिन इस फिल्म का इंडिया में शूट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में करीबन साठ से ज़्यादा वी का काम देखने को मिला था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स में आर रहमान का म्यूजिक देखने को मिलेगा जहां पे इन फिल्म के गानों को पंचतन रिकॉर्ड इन चेन्नई ए एम स्टूडियो चेन्नई ए आर स्टूडियो मुंबई पंचतन हॉलीवुड स्टूडियो लॉस एंजलिस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे दो हजार चौदह सोलह के बीच में इनको रिकॉर्ड किया गया था आठ अप्रैल दो हज़ार सोलह को इन सभी गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली ईरोज म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल तेलुगु और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था टोटल गानों की लेंथ थी वो पच्चीस मिनट बावन सेकंड थी फिल्म का जो ट्रेक लिस्ट है उसके बारे में बताओ तो पहला गाना नान ओन जिसके लिरिक्स मादन कारके ने लिखे हुए थे सिंगर थे अरिजीत सिंह चिनमई दूसरा गाना मीन निंगारा जिसके लिरिक्स लिखे माधन कार्के ने सिंगर थे सिद्ध श्री राम सनन्त मिधुत्ती और जोनिता गांधी तीसरा गाना पुनागे जिसके लिरिक्स लिखे वैरा मुथु ने सिंगर थे हरिचरण ससा तिरुपति चौथा गाना आरुरु जिसके, जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कार्के ने सिंगर थे शक्ति श्री गोपालन पांचवा गाना माई ट्विन ब्रदर जिसके लिरिक्स लिखे विक्रम कुमार ने सिंगर थे श्रीनिवासा कृष्णन हृदय कत्तनी छठा गाना है कालामी कर डाली जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाई मुरुथु ने सिंगर थे बेनी दयाल सात सिंह और अभय जोधपुर कर तो इस तरह से टोटल छः गाने इसके अलावा एक बॉन्स ट्रैक था ट्वेंटी फोर कैरेट जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कारके ने सिंगर थे अर्जुन चांडे तो इस तरह से तमिल का एक एक साउंड ट्रैक क्रिएट किया गया था जिसको आप फिलहाल में तमिल तेलुगु और हिंदी तीन वर्जन में यूट्यूब पेज इन म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया गया है वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सूर्या ने ट्रिपल रोल प्ले किए हुए एक तो डॉक्टर सेतु रमन जो आत्या का यंग ट्विन ब्रदर है एक साइंटिस्ट है जो टाइम ट्रैवलिंग ट्वेंटी फोर वॉच है उसके साथ उसका इन्वेंशन उन्होंने किया हुआ है और मनी का बायोलॉजिकल फादर है आथ्रिया जिसका नाम है किरदार का मेन एंटागोनिस्ट का वो रोल सेतु रम सूर्या ने प्ले किया हुआ है जो सेतु का ओल्डर ट्विन ब्रदर है जहाँ पे वो ट्वेंटी फोर टाइम ट्रैवल वाला वो है उसको वो हथियाना चाहता है और मनी का बायोलॉजिकल अंकल है वहीं पे मणिकंदन यानी कि मनी जो सुब्रमणि एके सुब्रमण्य के नाम से जाना जाता है जो सेतु रमन का बेटा है और आत्रेय का नेफ्यू है सवंता रूप प्रभु ने इस फिल्म में सत्य भामा एके ए सत्या का रोल प्ले किया हुआ है जो मनी का लव इंटरेस्ट है उनका वॉइस और तमिल वर्जन के लिए चिन ने डब किया गया था नित्या मेनन ने प्रिया सेतु का रोल प्ले किया हुआ है सेतु के वाइफ का किरदार था जो मनी के बायोलॉजिकल मदर है सरनिया पोनवान ने सत्या भामा का रोल प्ले किया हुआ है जो मनी के अडोप्टिटिव मदर है अजय ने मिथरन का रोल प्ले किया हुआ है जो आथरे का ट्रस्टेड साइड की है गिरीश कर्नाड ने इस फिल्म में सत्या के ग्रैंड का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने सत्या के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सुधा ने सत्या की माँ का रोल प्ले किया हुआ है सत्यान ने इस फिल्म में सर्वानंद यानी कि मनी के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है चार्ल ने इस फिल्म में रेडियार का रोल प्ले किया हुआ है अपू कुट्टी ने इस फिल्म में रेडिया आर का रोल प्ले किया हुआ है हर्षवर्धन ने कलाई का, का रोल प्ले किया हुआ था इलेक्ट्रीशियन वाला जो किरदार है है जो के लिए काम करता वो किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था नटराजन बालाकृष्ण ने सत्या के अंकल का रोल प्ले किया हुआ था और टी एस रंगनाथन ने इस फिल्म में सत्या के अंकल का रोल प्ले किया हुआ है तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने इस फिल्म में इंपोर्टेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए थे अब हम कहानी के ऊपर बातचीत करें तो शिवा कुमार यानी कि सूर्या एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक टाइम वॉच क्रिएट की हुई है जहाँ पे वो आने वाले समय में काफ़ी एक इस वॉच के थ्रू काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक देश के लिए भला कर सकते हैं जहाँ पे शिवा का भाई यानी कि अथरिया जो सूर्या ही रोल रौ प्ले कर रहे हैं वो उस वॉच को पाने के लिए शिवा और उसकी वाइफ यानी कि नित्या मेनन को मारने के लिए जाता है जहाँ पे वो उसको मार देता है लेकिन लकीली शिवा कुमार किसी तरह से बचकर वो सेफ गार्ड की मदद से वहाँ से भाग निकलते हैं उसका एक छोटा बच्चा है जिसको वो सरणिया ना, नाम की जो लेडी होती है सरणिया पौनवानंद जो उसकी एडोप्टिव मदर बनते हैं उसके बाद में उसको देकर वो निकल जाता है जहाँ पे पच्चीस साल के बाद अथ्रिया फिर से आ जाता है जहाँ पे वो वही वॉच के फिराक में जहाँ पे वो वॉच फ़िलहाल में मनी के पास है जहाँ पे वो शिव शिवा का बेटा है और उस वॉच को पाने के लिए अब वो मनी के क्लोज आने की कोशिश करता है जहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान मनी को इस वॉच का पावर पता चलता है और अथरिया का इंटेंशन भी पता चलता है और इस वॉच को किस तरह से एक अलग लेवल पे ले जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है मनी किस तरह से इन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा अपने अंकल यानी कि अथरिया से किस तरह से बचेगा वही फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी बढ़िया था नो no डाउट इसके ऊपर काफी सारी फिल्में आई हुई है तो इसके ऊपर कुछ अलग करके दिखाना थोड़ा मुश्किल है नहीं थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन डायरेक्टर ने बखूबी निभाया हुआ था जिस तरह से फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था जिस तरह से एक तीन किरदार लिखे हुए थे विक्रम कुमार ने उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था इस फिल्म के प्रोजेक्ट को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया था वो बढ़िया था इस फिल्म का आइडिया नरेशन का जो स्टाइल वो सभी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट थी फिलहाल में अगर आप ये दो की फिल्म है दो में लिखी गई थी लेकिन दो हज़ार बाईस कभी भी देखोगे एक बढ़िया तरीके से उन्होंने एक मैनर अच्छे खासे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के साथ उन सभी चीज़ों को लिखा हुआ है जहाँ पे वो सभी चीज़ें क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक, एक एवरग्रीन कल्ट क्लासिक साइंस फिक्शन फिल्म बन चुकी है जहाँ पे फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जिस तरह से हमारे साथ ये फिल्म थ्रिलिंग मोमेंट एंटरटेनमेंट इमोशन एक्शन ड्रामा रोमेंस सभी चीज़ों का एक मिश्रण डालती हुई नज़र आती है उसमें जो साइंस फिक्शन का एक तड़का लगता है वो सभी चीज़ें टाइम ट्रैवल के साथ जिस तरह से जोड़ी जाती है वो परफेक्ट थी ट्वेंटी फोर फिल्म अगर सूर्या के अलावा दूसरे एक्टर के साथ देखें तो उतना कुछ खास हमें पसंद नहीं आएगा लेकिन जिस तरह से सूर्या ने उसमें वो किरदार निभाए हुए उस वजह से ये फिल्म और नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है जहाँ पे कह सकते हैं कि 2016 तक सूर्या की जितनी भी फिल्में आई हुई थी वहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई थी खास करके आथ्रिया का रोल जिस तरह से वो डिलीवर करते वो आपका दिल पूरी तरह से जीत लेते टोटल तीन किरदार प्ले किए हुए हैं तीनों के रोल काफ़ी अलग अलग है और वो आसानी से डिफ्रेंशिएट करने में हमारे सामने कामयाब रहे थे सूर्या ने अपने स्क्रीन प्रेजेंस से अपने मैनेसिंग नेगेटिव रोल के साथ जिस तरह से स्क्रीन प्ले हमारे सामने पेश किया और जिस तरह से वो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो हमें ज़रूर पसंद आते हैं उनके वेरिएशंस, उसके दर के थ्रू पूरी तरह से एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते हैं देखने लायक पर फिल्म को और बेहतर बनाते फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी नेल बाइटिंग सीन्स के साथ दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म के इंटरवल पे जिस तरह से चीज़ों को दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ था फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू कैमरा वर्क वी एफ इतना बढ़िया तरीके से एलिवेट किया हुआ है जो फिल्म को काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट देता है फिल्म का जो प्रोडक्शन था उसको परफेक्ट वे में जस्टिफाई करता है समन्था को जो रोल दिया गया था वहाँ पर वो बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री सूर्य के साथ काफ़ी डिसेंट नज़र आ रही थी फिल्म का क्लाइमैक्स अभी बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से हमारे सामने एक प्रॉपर कन्विंसिंग मैनर में एक्जीक्यूट किया हुआ था जो सभी चीज़ें स्क्रीन पे एक बढ़िया तरीके से दिखाई गई है जहाँ पे स्क्रीन पे ज़्यादातर चीज़ों को लॉजिक के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म में जो वेरियस थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं टाइम ट्रैवल वॉच के हिसाब से जिस तरह से उसको सेट किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का जो ड्रॉ ब्रेक है उसको बात करें तो म्यूज़िक बोल सकते हैं म्यूज़िक ए रहमान का है लेकिन जो सॉन्ग्स है वो उतने अप टू द मार्क नहीं है जो फिल्म का कंटेंट था जिस तरह से फिल्म को नेरेट किया हुआ है उसमें स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो भी फिल्म का डिसेंट था लेकिन वो सॉन्ग्स से उसके मुकाबले फ़िल्म का म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था इसके अलावा कुछ ऑडियंस इस फिल्म के लॉजिक के तहत जाएगी लेकिन प्रॉपर वे में अगर लॉजिक के साथ देखने बैठोगे और फिल्म को कुछ ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी अंडर समझने के लिए थोड़ी कॉन्फ्यूजिंग नज़र आ सकती है अदरवाइज फिल्म काफ़ी बढ़िया है इस फिल्म में जो लव ट्रैक दिखाया हुआ समंता का सूर्या का उसको फर्स्ट हाफ में जिस तरह दिखाया हुआ था सेकंड हाफ में उतना बेहतर वे में उसको हमारे सामने पेश नहीं किया जाता है कुछ चीज़ें थी ऐसी थी फिल्म के फर्स्ट सेकंड हाफ़ में जहाँ पे उसे आसानी से चॉपआउ किया जा सकती थी जहाँ पे वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहती अगर वो सभी चीज़ें हट जाती अननेसेसरी सीन्स तो फिल्म और इंटरेस्टिंग और क्रिस्प नजर आती कैमरा वर्क डिरेक्शन फिल्म का काफ़ी बढ़िया है वही फ़िल्म का सबसे बड़ा स्पेशल मैंसन है उसके बाद फिल्म का वेफ एक्स जिस तरह से उसके ऊपर काम किया हुआ जो टाइम ट्रैवल का काम का था उसमें वेफ एक्स जिस तरह से सेट को डिजाइन किया हुआ था वो काफ़ी मार्वेलस था इसके अलावा रिसेंट टाइम में जितनी भी फिल्में मैंने देखी हुई पिछले दस पंद्रह सालों में उसमें वन ऑफ दी बेस्ट वेफ एक्स इस फिल्म में यूज़ किए गए थे इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग देखने को मिलती वो भी बढ़िया है अलग अलग किरदार के लिए और फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी हर एक फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जिसको केयरफुल के साथ क्रिएट किया हुआ ऐसा महसूस हो रहा था ग्राफिक्स फिल्म का काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था जो एक फिल्म के स्क्रीन पे सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कन्विंसिंग और बिलीवेबल नज़र बनाने में कामयाब रखती है इसके अलावा डायरेक्टर विक्रम कुमार ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है फिलहाल में जितनी भी टाइम ट्रैवल इंडिया में फिल्में बनी हुई है उसमें उन्होंने सबसे बेस्ट फिल्म बना के दी हुई है जहाँ पे उनकी जो लिखावट है उसके ऊपर उनका जो एग्जीक्यूशन है जिस तरह से किरदारों का उनको लिखावट दी गई है सूर्या के कैरेक्टर को तीन डिफरेंट किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ है वो इम्प्रेसिव था उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी साई फाई का एंगल इमोशंस वो सभी चीज़ें उन्होंने बढ़िया तरीके से मैनेज की हुई थी थ्रिलिंग मोमेंट रोमांस एक्शन ड्रामा कॉमेडी उसका मिश्रण अच्छी तरह से एड किया हुआ था जिसकी बदौलत एक टेक्निकल ब्रिलियंट फिल्म बनती है ये जहाँ पर ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म में सूर्या का जो ट्रिपल रोल है रेसी थ्रिलिंग सीन है एंगेजिंग कॉन्सेप्ट है वो सभी चीज़ें आपको आसानी से इम्प्रेस कर जाएगी जहाँ पे सूर्य अपने स्टार डैम को आसानी से इस किरदार के परफॉर्मेंस के थ्रू आपको डिलीवर करते हुए नजर आएंगे और आपको इस फिल्म के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन हो या ना हो चाहे जितनी भी बड़ी एक्सपेक्टेशन रख लो ये फिल्म आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी ये फिल्म किसी भी टाइप की ऑडियंस को मेरी बात सुन लो किसी भी टाइप की ऑडियंस को कनेक्ट करेगी कोई भी ऑडियंस हो मास क्लास मिडिल ऑडियंस सर्टेन टाइप की कोई भी ऐसी ऑडियंस हो सबको ये फिल्म पसंद आने वाली है अब हम बात करें फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो उससे पहले मैं हम बात कर लेते थे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 6 मई 2016 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब अच्छे खासे स्क्रीन दी मिले थे फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म को एस्टिमेटली करीबन उन्नीस सौ पचास दो हज़ार स्क्रीन्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था यूए में यूएस में इस फिल्म को करीबन दो सौ सड़सठ वोट मिले हुए सॉरी स्क्रीन्स मिले हुए थे इस फिल्म के कुछ स्पेशल प्रीमियर्स रखे गए थे उसको पाँच मई दो में सेट किया गया था फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी करीबन चार से ज़्यादा स्क्रीनस मिली हुई थी तो इस तरह से एक अच्छे खासी स्क्रीन्स के साथ फिल्म को रिलीज करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने एक मार्केटिंग गेम निकाली हुई थी जहाँ पे मार्केटिंग की हुई थी गेम के थ्रू ट्वेंटी फोर आर थ्री आर रन करके जिसको क्रिएटिव मंकी गेम्स वालों ने क्रिएट किया हुआ था जिसको आईओएस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एक मई दो को अवेलेबल किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को 6 मई 2016 को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब तो क्या धमाका मचाया फिल्म ने फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गया जहाँ पे फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला जिसके बदौलत फिल्म डे बाई डे बढ़िया तरीके से ग्रोथ की जहाँ पे बाईस वोट मिले हुए आई पे फिल्म को और सात की रेटिंग हासिल है दस में से तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने कितने हद तक कितनी बढ़िया लेवल की रेटिंग हासिल की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने करीबन पहले वीकेंड में पचास करोड़ का इंडिया से ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था किसी तमिल लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन करना तब के समय काफ़ी बड़ी बात थी जहाँ पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन था वहाँ से भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन निकल के आया हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से इस फिल्म ने करीबन ओपनिंग वीकेंड सत्रह करोड़ के आसपास का लिया हुआ था जो तमिलनाडु के ओपनिंग वीकेंड के करीब माना जा सकता है क्योंकि इस फिल्म का वर्ल्डवाइड का पचास करोड़ का ओपनिंग वीकेंड था उसमें सत्रह करोड़ तेलुगु से आया था और उतना ही कुछ तमिलनाडु से आया हुआ था तो फिल्म ने एप्रोक्सीमेटली तमिलनाडु से एंटायर रन था लाइफ टाइम रन फिल्म का करीबन चालीस करोड़ का निकला था और में फिल्म ने तीन दिनों में एक मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद वो सभी चीज़ें एक सौ इकसठ स्क्रीन पे ही रिलीज़ की गई थी उस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ ये ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने करीबन दो लाख डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था और एक सौ सत्तासी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था एक लाख सत्तासी हज़ार और दो सौ डॉलर यू ए में इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उसी टाइम जोन के दौरान और इस तरह से यूएस का लाइफ टाइम कलेक्शन एक पॉइंट छः मिलियन यू डॉलर निकल के आया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म का बजट करीबन सत्तर करोड़ था बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने सौ करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया दो में जहाँ पर इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रन लिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई और उसके बाद में आगे जाके जब थिएटर के बाद इस फिल्म को ओ और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया तब एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन चुकी थी जहाँ पे जो आथरिया वाला किरदार है वो पूरी तरह से कल्ट कैरेक्टर बन चुका था ओ टी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के ओ टी राइट से वो तमिल वर्जन के लिए अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए हिंदी वर्जन के लिए जी स्टूडियो के पास है वहीं पे तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म के राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉस्टार ने खरीदे हुए हैं जहां पर इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी फोर नाम से देखने को मिलेगा तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को ट्वेंटी फोर नाम के साथ डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है जहां पे आप विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट को एनी मनी आप इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे 24 फिल्म का जो हिंदी वर्जन है यानी कि टाइम स्टोरी उसके राइट सी फाई के पास है तो ये फिल्म सी फाइफ के ऊपर टाइम स्टोरी के के नाम से बिल्कुल फ्री में विध इंग्लिश देखने को मिलेगी सिर्फ आपको जी के लॉग इन करना है और टाइम स्टोरी फिल्म आसानी से आप फ्री में कर पाओगे तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओटी के ऊपर इंजॉय कर पाओगे वहीं पर सेटेलाइट के ऊपर जी सिनेमा और जी सिनेमा एच के ऊपर ये फिल्म टाइम स्टोरी के नाम से हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को ओ पे तमिल वर्जन में आप देख सकते हो सॉरी एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर हिंदी वर्जन डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा और uh, सॉरी तेलुगु वर्जन डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे हिंदी वर्जन है वो टाइम स्टोरी नाम के साथ डब करवाया गया है जिसको जी फाइव के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल फिर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको हिंदी वर्जन टाइम स्टोरी नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप ट्वेंटी फोर या टाइम स्टोरी फिल्म तेलुगु तमिल और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे ट्वेंटी फोर जो 2016 की तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है इस फिल्म को तमिल तेलुगु और हिंदी तीन वर्ज़न में रिलीज़ किया गया है जहाँ पे तमिल मेन वर्जन है तेलुगु और हिंदी डब्ड वर्जन है हिंदी वर्जन को डायरेक्ट टेलीविज़न और ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया था वहीं पे तेलुगु डब्ड वर्ज़न को साथ ही में थिएटर में सेम नाम के साथ रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को तमिल और तेलुगु वर्ज़न के लिए ट्वेंटी फोर नाम दिया गया था वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए टाइम स्टोरी नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो जोनर है साइंस फिक्सन एक्शन ड्रामा वहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से जस्टिफाई करती हुई नजर आती है फिल्म की कहानी विक्रम कुमार ने लिखी हुई है उसके ऊपर जो स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग डायलॉग डिरेक्शन ये सभी चीज़ें विक्रम कुमार ने ही की हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर यानी कि सूर्या ने खुद जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया था फिल्म का बजट करीबन सत्तर करोड़ बताया जा रहा है जहाँ पे इस फिल्म को टू डी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सूर्या और उनकी वाइफ ज्योतिका ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था एरोज एंटरटेनमेंट और स्टूडियो ग्रीन ने तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिसके तहत इस फिल्म को तेलुगु और तमिल वर्जन में वर्ल्ड वाइड रिलीज करवाया गया था इस फिल्म के लीड रोल में सूर्या समंता प्रभु और नित्या मेनन देखने को मिलेंगे इनके अलावा सरन्या पोनवानन अजय गिरीश करनाद मोहन रमन सुधा सत्यान चार्ल अपुकुट्टी हर्षवर्धन नटराजन बालाकृष्णन और टी एस रघनाथन देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है तिरु ने एडिटिंग की हुई प्रवीण पुरी ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो ए आर रेमार और कुतुबी कृपा ने मिलकर कंपोज किया हुआ है जो फिल्म के गाने वो ए आर रहमान ने अकेले मिलकर कंपोज किए हुए जहाँ पे इस फिल्म के गानों के राइट्स से वो हीरोज म्यूज़िक के पास है तमिल तेलुगू और हिंदी तीनों वर्जन के लिए वहीं पे इस फिल्म के जो गाने तमिल में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे एक बोनस ट्रैक भी ऐड किया हुआ है तेलुगू में भी छः जहाँ पर भी एक बोनस ट्रैक ऐड किया हुआ है लेकिन हिंदी में तीन गाने सुनने को मिलेंगे डब्ड वर्जन में तो इस तरह से सभी गानों के ऊपर काम किया गया था जिसके ऊपर डीपे में आपको आगे बताऊँगा अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्री प्रोडक्शन से स्टार्ट करते अगस्त 2009 हजार जहाँ पे डायरेक्टर विक्रम कुमार ने अनाउंस किया था कि वो एक 24 टाइटल के साथ फिल्म बनाने वाले जहाँ पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे मोहन नटराजन और इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे विक्रम और उसके बाद में बताया गया था कि हरीश जयराज इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक कंपोजिशन करने वाले पीसी श्री राम इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करेंगे 2009 के एंड में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी ए वी एम स्टूडियो चेन्नई में और इस फिल्म की कास्ट को भी पूरी तरह से सेट कर लिया गया था एक डेंस फॉरेस्ट का सेट भी क्रिएट कर लिया गया था और उन सभी चीज़ों के साथ फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी लेकिन विक्रम ने इस फिल्म के लिए विक्रम के साथ डायरेक्टर ने अपोजिट इलियाना डिक्रूस को कास्ट किया हुआ था और इस फिल्म का अनाउंसमेंट होने के बाद उन्होंने इस फिल्म को बाद में फिर से ड्रॉप करवा दिया गया था और उसके बाद में विक्रम ने क्लेरिफाई किया कि वो इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी जिस वजह से उसको यानी कि एक्टर विक्रम की और प्रोड्यूसर दोनों ने मिलकर इलियाना डिक्रूस को रिजेक्ट किया हुआ है बाद में फ़िल्म के कुछ अदर रीजंस भी दिखाए गए थे जहाँ पे डायरेक्टर ने पूरी तरह से स्क्रिप्ट के साथ जो काम कम्प्लीट किया हुआ था वहाँ पर वो सभी चीज़ों को प्रोवाइड करने में हमारे सामने फेल रहे थे और फिल्म का जब प्रोडक्शन था वो काफ़ी हाई जा रहा था हर बार बढ़ रहा था जिसके चलते डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में काफ़ी क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे जिसके बदौलत ये फिल्म का प्रोजेक्ट वहाँ पर रुक चुका था जहाँ पे उसके बाद में इस फिल्म को फिर से डेवलप किया गया जहाँ पे जून 2000 सॉरी अगस्त 2014 में सूर्या ने अपने प्रोडक्शन कंपनी टूडे एंटरटेनमेंट के नीचे एक अनाउंसमेंट की अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के तहत जहाँ पे बताया गया कि वो इस फिल्म को बनाने वाले जहाँ पे इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया है जहाँ पे उनके ओरा के हिसाब से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया है अक्टूबर 2014 को ए आर रहमान को म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर साइन किया गया एक्टर सूर्या ने कन्फर्म किया कि वो इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का जो मेन प्लॉट है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि विक्रम के साथ जो फिल्म बनने वाली थी वहाँ पे उसमें थोड़े चेंजेस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे क्योंकि फिल्म चार पाँच साल बाद अब बनने वाली है तो उस वजह से थोड़े चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे स्क्रीन प्ले और जो डायमेंसन है उसमें थोड़ा नेरेशन में थोड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है ये सभी चीज़ें सूर्या ने एक इंटरव्यू के तहत कही हुई थी उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो प्लॉट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जहाँ पे ह्यूमन जिस तरह से टाइम को कंट्रोल करता है उन सभी चीज़ों के ऊपर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर उस पावर के ऊपर इस फिल्म को बनाया जाएगा जो फिल्म का कोर थीम होने वाला है ट्वेंटी फोर फिल्म का उसके बाद में कैरेक्टर के ऊपर बातचीत करें तो बताया गया था कि सूर्या इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे उनके टोटल पाँच अपीरेंस के तीन रोल के साथ देखने को मिलेंगे और वन ऑफ द रोल उनका सबसे बड़ा एंटागोनिस फिल्म का साबित होगा जहाँ पे इस फिल्म में उनके पाँच छः लुक डिज़ाइन किए गए थे उस किरदार के लिए उस एंटागनिस्ट के किरदार का नाम अथरिया रखा गया था जहाँ पे वो एक स्मार्ट बंदा बताया गया था जो अपने डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म में के लिए एक्ट्रेस के लिए कैथरीन त्रेशा को साइन किया गया था फीमेल लीड के रोल पे लिए उनको साइन करने का फैसला लिया जा रहा था लेकिन फाइनली फरवरी 2015 में समंता रुद्रभु को इस फिल्म के किरदार के, के लिए साइन किया गया नित्या मेनन को इस फिल्म में सेकंड लीडिंग रोल के लिए साइन किया गया था उसके बाद में समंता और नित्या ने इस फिल्म के साथ आ, काम जो किया हुआ था जो सूर्य का किरदार था दो अलग अलग किरदार के साथ उन्होंने अलग अलग एक्ट्रेस ने अलग अलग टाइम जोन के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे समंता के अपोजिट जिस तरह जो मनी का किरदार लिखा हुआ था नित्या मेनन के अपोजिट जो सेतु रमन का किरदार था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आया था सरण पौनवानन को इस फिल्म में माँ के किरदार के, के लिए यानी कि माँ की मनी के माँ का रोल दिया गया था फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मुंबई 8 अप्रैल 2015 से स्टार्ट की गई थी जहां पे एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ नासिक में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था करीबन अर्ली जून 2015 में कुछ सीन से फिल्म के फिल्म स्टूडियो में शूट किए गए थे गोरेगांव में वेफ का जो काम है वही सेम स्टूडियो में सेम्बर दो को करवाया गया था नित्या मेनन ने अपना पोर्सन का करीबन एक अगस्त 2015 से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको सितंबर 2015 तक कंप्लीट करवाया हुआ था मिड सितंबर 2015 तक के इस फिल्म का 20 दिनों का शेड्यूल सेट किया गया था पोलैंड में और वहाँ पे कास्ट एंड क्रू मेंबर को ले जाया गया और वहाँ पे कुछ एक्शन सीक्वेंस थे कुछ सॉन्ग्स थे वो क्रैकआउस जेब्रो माउंटेन सकोपाने लेबा लेविन क्लोंडे जेडिना जद्रोज वाल ब्रिज नोवे ब्रेसगो करके इसे अलग अलग पोलैंड के लोकेशन से वहाँ पे शूट किया गया था इस फिल्म की जो लाइटिंग है वो प्रोवाइड की गई थी क्रेज़गो कंपनी सीने लाइट की तरफ से और पोलैंड में काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था उसको 30 सितंबर 2015 तक कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में 26 अक्टूबर 2015 को इस फिल्म के कुछ इंपोर्टेंट सीक्वेंस को शुभांता रॉयस सहारा स्टेडियम पुणे में शूट किया गया था जहां पे उसको एक सिंगल दिन में पूरी तरह से कंप्लीट किया हुआ था जो एम एस धोनी वाला सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ इसी के मंथ के एंड में इसी मंथ के एंड में फिल्म का लास्ट शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसको आदित्य राम स्टूडियो चेन्नई में रखा गया था दो नवंबर 2015 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग का काम कंप्लीट करवाया गया था तो इस फिल्म को शूट करने में करीबन सौ से ज़्यादा का दिनों का टाइम लगा था जहाँ पे तीस दिनों का टाइम फिल्म का शूटिंग का आउट ऑफ कंट्री रखा गया था यानी कि बाहर देश तीस दिन शूट किया गया था सत्तर दिन इस फिल्म का इंडिया में शूट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में करीबन साठ से ज़्यादा वी का काम देखने को मिला था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स में आर रहमान का म्यूजिक देखने को मिलेगा जहाँ पे इन फिल्म के गानों को पंचतन रिकॉर्ड इन चेन्नई ए एम स्टूडियो चेन्नई ए आर स्टूडियो मुंबई पंचतन हॉलीवुड स्टूडियो लॉस एंजलिस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे 2014-16 के बीच में इनको रिकॉर्ड किया गया था 8 अप्रैल 2016 को इन सभी गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली ईरोज म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल तेलुगु और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था टोटल गानों की लेंथ थी वो पच्चीस मिनट बावन सेकंड थी फिल्म का जो ट्रेक लिस्ट है उसके बारे में बताओ तो पहला गाना नान ओन जिसके लिरिक्स मादन कारके ने लिखे हुए थे सिंगर थे अरिजीत सिंह चिन्मयी दूसरा गाना मे निंगारा जिसके लिरिक्स लिखे माधन कारके ने सिंगर थे सिद्ध श्री राम सनंत मिधुत्ती और जोनिता गांधी तीसरा गाना पुनागे जिसके लिरिक्स लिखे वैरा मुथु ने सिंगर थे हरिचरण ससा तिरुपति चौथा गाना आरुरु जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कारके ने सिंगर थे शक्ति श्री गोपालन पांचवा गाना माई ट्विन ब्रदर जिसके लिरिक्स लिखे विक्रम कुमार ने सिंगर थे श्रीनिवासकृष्णन हृदय कतनी छठा गाना है काला मियन कर डाली जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाई मुरुथु ने सिंगर थे बेनी दयाल सात सिंह और अभय कर तो इस तरह से टोटल छः गाने इसके अलावा एक बॉन्स ट्रैक था ट्वेंटी फोर कैरेट जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कारके ने सिंगर थे अर्जुन चांडे तो इस तरह से तमिल का एक एक साउंड ट्रैक क्रिएट किया गया था जिसको फिलहाल में तमिल तेलुगु और हिंदी तीन वर्जन में यूट्यूब पेज इन्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया गया है वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सूर्या ने ट्रिपल रोल प्ले किया हुए एक तो है डॉक्टर सेतु रमन जो आत्या का यंग ट्विन ब्रदर है एक साइंटिस्ट है जो टाइम ट्रैवलिंग ट्वेंटी फोर वॉच है उसके साथ उसका इन्वेंशन उन्होंने किया हुआ है और मनी का बायोलॉजिकल फादर है आथ्रिया जिसका नाम है किरदार का मेन एंटागोनिस्ट का वो रोल सेतु सूर्या ने ही प्ले किया हुआ है जो सेतु का ओल्डर ट्विन ब्रदर है जहाँ पे वो ट्वेंटी फोर टाइम ट्रैवल वाला वॉच है उसको वो हथियाना चाहता है और मनी का बायोलॉजिकल अंकल है वहीं पे मणिकंदन यानी कि मनी जो सुब्रमण्य एके सुब्रमण्य के नाम से भी जाना जाता है जो सेतु रमन का बेटा है और आत्र का नेफ्यू है समंता रूप प्रभु ने इस फिल्म में सत्य भामा एके सत्या का रोल प्ले किया हुआ है जो मनी का लव इंटरेस्ट है उनका वॉइस और तमिल वर्जन के लिए चिन महीने डब किया गया था नित्या मेनन ने प्रिया सेतु का रोल प्ले किया हुआ है सेतु रमन के वाइफ का किरदार था जो मनी के बायोलॉजिकल मदर है सरनिया पोनवान ने सत्या भामा का रोल प्ले किया हुआ है जो मनी के अडोप्टिव मदर है अजय ने मिथरन का रोल प्ले किया हुआ है जो आथरे का ट्रस्टेड साइड की है गिरीश कर्नाड ने इस फिल्म में सत्या के ग्रैंड का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने सत्या के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सुधा ने सत्या की माँ का रोल प्ले किया हुआ है सत्यान ने इस फिल्म में सर्वानंद यानी कि मनी के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है चार्ल ने इस फिल्म में रेडियार का रोल प्ले किया हुआ है अपू कुट्टी ने इस फिल्म में रेड

जहाँ पे वो आने वाले समय में काफ़ी एक इस वॉच के थ्रू काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक देश के लिए भला कर सकते हैं जहाँ पे शिवा का भाई यानी कि अथरिया जो सूर्या ही वो रोल प्ले कर रहे हैं वो उस वॉच को पाने के लिए शिवा और उसकी वाइफ यानी कि नित्या मेनन को मारने के लिए जाता है जहाँ पे वो उसको मार देता है लेकिन लकीली शिवा कुमार किसी तरह से बचकर वो सेफ गार्ड की मदद से वहाँ से भाग निकलते हैं उसका एक छोटा बच्चा है जिसको वो सरण्या नाम की जो लेडी होती है सरण्या पौनवानंद जो उसकी एडोप्टिव मदर बनती है उसके बाद में उसको देकर वो निकल जाता है जहाँ पे पच्चीस साल के बाद अथ्रिया फिर से आ जाता है जहाँ पे वो वही वॉच के फिराक में जहाँ पे वो वॉच फ़िलहाल में मनी के पास है जहाँ पे वो शिव शिवा का बेटा है और उस वॉच को पाने के लिए अब वो मनी के क्लोज आने की कोशिश करता है जहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान मनी को इस वॉच का पावर पता चलता है और अथरिया का इंटेंशन भी पता चलता है और इस वॉच को किस तरह से एक अलग लेवल पे ले जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है मनी किस तरह से इन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा अपने अंकल यानी कि अथरिया से किस तरह से बचेगा वही फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी बढ़िया था नो no डाउट इसके ऊपर काफी सारी फिल्में आई हुई है तो इसके ऊपर कुछ अलग करके दिखाना थोड़ा मुश्किल है नहीं थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन डायरेक्टर ने बखूबी निभाया हुआ था जिस तरह से फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था जिस तरह से एक तीन किरदार लिखे हुए थे विक्रम कुमार ने उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था इस फिल्म के प्रोजेक्ट को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया था वो बढ़िया था इस फिल्म का आइडिया नरेशन का जो स्टाइल वो सभी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट थी फिलहाल में अगर आप ये दो की फिल्म है दो में लिखी गई थी लेकिन दो हज़ार बाईस कभी भी देखोगे एक बढ़िया तरीके से उन्होंने एक मैनर अच्छे खासे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के साथ उन सभी चीज़ों को लिखा हुआ है जहाँ पे वो सभी चीज़ें क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक, एक एवरग्रिन कल्ट क्लासिक साइंस फिक्शन फिल्म बन चुकी है जहाँ पे फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जिस तरह से हमारे साथ ये फिल्म थ्रिलिंग मोमेंट एंटरटेनमेंट इमोशन एक्शन ड्रामा रोमेंस सभी चीज़ों का एक मिश्रण डालती हुई नज़र आती है उसमें जो साइंस फिक्शन का एक तड़का लगता है वो सभी चीज़ें टाइम ट्रेवल के साथ जिस तरह से जोड़ी जाती है वो परफेक्ट थी ट्वेंटी फोर फिल्म अगर सूर्या के अलावा आप दूसरे एक्टर के साथ देखें तो उतना कुछ खास हमें पसंद नहीं आएगा लेकिन जिस तरह से सूर्या ने उसमें वो किरदार निभाए हुए उस वजह से ये फिल्म और नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है जहाँ पे कह सकते हैं कि 2016 तक सूर्या की जितनी भी फिल्में आई हुई थी वहाँ पे उन्होंने इस फिल्म में अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई थी खास करके आथर्या का रोल जिस तरह से वो डिलीवर करते वो आपका दिल पूरी तरह से जीत लेते टोटल तीन किरदार प्ले किए हुए हैं तीनों के रोल काफ़ी अलग अलग है और वो आसानी से डिफ्रेंशिएट करने में हमारे सामने कामयाब रहे थे सूर्या ने अपने स्क्रीन प्रेजेंस से अपने मेनेसिंग नेगेटिव रोल के साथ जिस तरह से स्क्रीन प्ले हमारे सामने पेश किया और जिस तरह से वो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो हमें ज़रूर पसंद आते हैं उनके वेरिएशंस उसके दर के थ्रू पूरी तरह से एक एवॉर्ड विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते देखने लायक पर फिल्म को और बेहतर बनाते फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी नेल बाइटिंग सीन्स के साथ दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म के इंटरवल पे जिस तरह से चीज़ों को दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ था फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू कैमरा वर्क वी एफ इतना बढ़िया तरीके से एलिवेट किया हुआ है जो फिल्म को काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट देता है फिल्म का जो प्रोडक्शन था उसको परफेक्ट वे में जस्टिफाई करता है समन्था को जो रोल दिया गया था वहाँ पर वो बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री सूर्य के साथ काफ़ी डिसेंट नजर आ रही थी फिल्म का क्लाइमैक्स अभी बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से हमारे सामने एक प्रॉपर कन्विंसिंग मैनर में एग्जीक्यूट किया हुआ था जो सभी चीज़ें स्क्रीन पे एक बढ़िया तरीके से दिखाई गई है जहाँ पे स्क्रीन पे ज़्यादातर चीज़ों को लॉजिक के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म में जो वेरियस थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं टाइम ट्रैवल वॉच के हिसाब से जिस तरह से उसको सेट किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का जो ड्रॉ ब्रेक है उसको बात करें तो म्यूज़िक बोल सकते हैं म्यूज़िक ए आर रहमान का है लेकिन जो सॉन्ग्स है वो उतने अप टू द मार्क नहीं है जो फिल्म का कंटेंट था जिस तरह से फिल्म को नेरेट किया हुआ है उसमें स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो भी फिल्म का डिसेंट था लेकिन वो सॉन्ग्स से उसके मुकाबले फ़िल्म का म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था इसके अलावा कुछ ऑडियंस इस फिल्म के लॉजिक के तहत जाएगी लेकिन प्रॉपर वे में अगर लॉजिक के साथ देखने बैठोगे और फिल्म को कुछ ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी अंडर समझने के लिए थोड़ी कॉन्फ्यूजिंग नज़र आ सकती है अदरवाइज फिल्म काफ़ी बढ़िया है इस फिल्म में जो लव ट्रैक दिखाया हुआ समन्ता का सूर्या का उसको फर्स्ट हाफ में जिस तरह दिखाया हुआ था सेकंड हाफ में उतना बेहतर वे में उसको हमारे सामने पेश नहीं किया जाता है कुछ चीज़ें थी ऐसी थी फिल्म के फर्स्ट सेकंड हाफ़ में जहाँ पे उसे आसानी से चॉपआउ किया जा सकती थी जहाँ पे वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहती अगर वो सभी चीज़ें हट जाती अननेसेसरी सीन्स तो फिल्म और इंटरेस्टिंग और क्रिस्प नजर आती कैमरा वर्क डिरेक्शन फिल्म का काफ़ी बढ़िया है वही फ़िल्म का सबसे बड़ा स्पेशल मैंसन है उसके बाद फिल्म का वेफ एक्स जिस तरह से उसके ऊपर काम किया हुआ है जो टाइम ट्रैवल का काम कामकाज था उसमें वेफ एक्स जिस तरह से सेट को डिजाइन किया हुआ था वो काफ़ी मार्वेलस था इसके अलावा रिसेंट टाइम में जितनी भी फिल्में मैंने देखी हुई पिछले दस पंद्रह सालों में उसमें वन ऑफ दी बेस्ट वेफ एक्स इस फिल्म में यूज़ किए गए थे इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग देखने को मिलती वो भी बढ़िया है अलग अलग किरदार के लिए और फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी हर एक फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जिसको केयरफुल के साथ क्रिएट किया हुआ ऐसा महसूस हो रहा था ग्राफिक्स फिल्म का काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था जो एक फिल्म के स्क्रीन पे सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कन्विंसिंग और बिलीवेबल नज़र बनाने में कामयाब रखती है इसके अलावा डायरेक्टर विक्रम कुमार ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है फिलहाल में जितनी भी टाइम ट्रैवल इंडिया में फिल्में बनी हुई है उसमें उन्होंने सबसे बेस्ट फिल्म बना के दी हुई है जहाँ पे उनकी जो लिखावट है उसके ऊपर उनका जो एग्जीक्यूशन है जिस तरह से किरदारों का उनको लिखावट दी गई है सूर्या के कैरेक्टर को तीन डिफरेंट किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ है वो इम्प्रेसिव था उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी साईफाई का एंगल इमोशंस वो सभी चीज़ें उन्होंने बढ़िया तरीके से मैनेज की हुई थी थ्रिलिंग मोमेंट रोमेंस एक्शन ड्रामा कॉमेडी उसका मिश्रण अच्छी तरह से एड किया हुआ था जिसके बदौलत एक टेक्निकल ब्रिलियंट फिल्म बनती है ये जहाँ पे यह फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म में सूर्या का जो ट्रिपल रोल है रेसी थ्रिलिंग सीन है एंगेजिंग कॉन्सेप्ट है वो सभी चीज़ें आपको आसानी से इम्प्रेस कर जाएगी जहाँ पे सूर्या अपने स्टार डैम को आसानी से इस किरदार के परफॉर्मेंस के थ्रू आपको डिलीवर करते हुए नज़र आएंगे और आपको इस फिल्म के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन हो या ना हो चाहे जितनी भी बड़ी एक्सपेक्टेशन रख लो ये फिल्म आप बहुत जरा भी डिसअप नहीं करेगी ये फिल्म किसी भी टाइप की ऑडियंस को मेरी बात सुन लो किसी भी टाइप की ऑडियंस को कनेक्ट करेगी कोई भी ऑडियंस हो मास क्लास मिडिल ऑडियंस सर्टेन टाइप की कोई भी ऐसी ऑडियंस हो सबको ये फिल्म पसंद आने वाली है अब हम बात करें फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो उससे पहले मैं हम बात कर लेते थे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 6 मई 2016 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज़ किया गया तब अच्छे खासे स्क्रीन दी मिले थे फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म को एस्टिमेटली करीबन उन्नीस सौ पचास दो हज़ार स्क्रीन्स में वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया गया था यू में यू में इस फिल्म को करीबन दो सौ सड़सठ वोट मिले हुए सॉरी स्क्रीन्स मिले हुए थे इस फिल्म के कुछ स्पेशल प्रीमियर्स रखे गए थे उसको पाँच मई दो में सेट किया गया था फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी करीबन चार से ज़्यादा स्क्रीनस मिली हुई थी तो इस तरह से एक अच्छे खासे स्क्रीन्स के साथ फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने एक मार्केटिंग गेम निकाली हुई थी जहाँ पे मार्केटिंग की हुई थी गेम के थ्रू ट्वेंटी फोर आर रन करके जिसको क्रिएटिव मंकी गेम्स वालों ने क्रिएट किया हुआ था जिसको आईओएस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एक मई दो को अवेलेबल किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को 6 मई 2016 को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब तो क्या धमाका मचाया फिल्म ने फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गया जहाँ पे फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला जिसके बदौलत फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ग्रोथ की जहाँ पे बाईस हज़ार वोट मिले हुए आईएमडीबी पे फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल है दस में से तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने कितने हद तक कितनी बढ़िया लेवल की रेटिंग हासिल की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने करीबन पहले वीकेंड में पचास करोड़ का इंडिया से ग्रोस कलेक्शन निकला हुआ था किसी तमिल लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन करना तब के समय काफ़ी बड़ी बात थी जहाँ पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन था वहाँ से भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन निकल के आया हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से इस फिल्म ने करीबन ओपनिंग वीकेंड सत्रह करोड़ के आसपास का लिया हुआ था जो तमिलनाडु के ओपनिंग वीकेंड के करीब माना जा सकता है क्योंकि जैसे उनका वर्ल्ड वाइड का पचास करोड़ का ओपनिंग वीकेंड था उसमें सत्रह करोड़ तेलुगू से आया था और उतना ही कुछ तमिलनाडु से आया हुआ था तो फिल्म ने अप्रॉक्सीमेटली तमिलनाडु से एंटायर रन था लाइफ टाइम रन फिल्म का करीबन चालीस करोड़ का निकला था और में फिल्म ने तीन दिनों में एक मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद वो सभी चीज़ें एक सौ इकसठ स्क्रीन पे ही रिलीज़ की गई थी उस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ ये ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने करीबन दो लाख डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था और एक सौ सत्तासी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था एक लाख सत्तासी हज़ार और दो सौ डॉलर यू ए में इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उसी टाइम जोन के दौरान और इस तरह से यूएस का लाइफ टाइम कलेक्शन एक पॉइंट छः मिलियन यू एस डॉलर निकल के आया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जहां पे इस फिल्म का बजट करीबन सत्तर करोड़ था बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने सौ करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया 2016 में जहां पे इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रन लिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई और उसके बाद में आगे जाके जब थिएटर के बाद इस फिल्म को ओ और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया तब एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन चुकी थी जहाँ पर जो आथिर वाला किरदार है वो पूरी तरह से कल्ट कैरेक्टर बन चुका था ओ टी, -टी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के ओ टी, -टी राइट से वो तमिल वर्जन के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए हिंदी वर्जन के लिए जी स्टूडियो के पास है वहीं पे तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म के राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉस्टार ने खरीदे हुए हैं जहां पर इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको अमेजन क्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी फोर नाम से देखने को मिलेगा तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को ट्वेंटी फोर नाम के साथ डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट को एनी मनी आप इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे वहीं पे ट्वेंटी फोर फिल्म का जो हिंदी वर्जन है यानी कि टाइम स्टोरी उसके राइट सी फाइफ के पास है तो ये फिल्म सी फाइफ के ऊपर टाइम स्टोरी

एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर हिंदी वर्जन डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा और uh, सॉरी तेलुगु वर्जन डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे हिंदी वर्जन है वो टाइम स्टोरी नाम के साथ डब करवाया गया है जिसको जी फाइव के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल फिर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको हिंदी वर्जन टाइम स्टोरी नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप ट्वेंटी फोर या टाइम स्टोरी फिल्म तेलुगु तमिल और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे ट्वेंटी फोर जो 2016 की तमिल लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है इस फिल्म को तमिल तेलुगु और हिंदी तीन वर्ज़न में रिलीज़ किया गया है जहाँ पे तमिल मेन वर्जन है तेलुगु और हिंदी डब्ड वर्जन है हिंदी वर्जन को डायरेक्ट टेलीविज़न और ओ टी टी पे प्रीमियर करवाया गया था वहीं पे तेलुगु डब्ड वर्ज़न को साथ ही में थिएटर में सेम नाम के साथ रिलीज़ किया गया था इस फिल्म को तमिल और तेलुगु वर्ज़न के लिए ट्वेंटी फोर नाम दिया गया था वहीं पे हिंदी वर्जन के लिए टाइम स्टोरी नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो जोनर है साइंस फिक्सन एक्शन ड्रामा वहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से जस्टिफाई करती हुई नजर आती है फिल्म की कहानी विक्रम कुमार ने लिखी हुई है उसके ऊपर जो स्टोरी आइडिया स्क्रीन प्ले स्क्रिप्टिंग डायलॉग डिरेक्शन ये सभी चीज़ें विक्रम कुमार ने ही की हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म के लीड एक्टर यानी कि सूर्या ने खुद जहाँ पे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया गया था फिल्म का बजट करीबन सत्तर करोड़ बताया जा रहा है जहाँ पे इस फिल्म को टू डी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सूर्या और उनकी वाइफ ज्योतिका ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था एरोज एंटरटेनमेंट और स्टूडियो ग्रीन ने तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिसके तहत इस फिल्म को तेलुगु और तमिल वर्जन में वर्ल्ड वाइड रिलीज करवाया गया था इस फिल्म के लीड रोल में सूर्या समंता प्रभु और नित्या मेनन देखने को मिलेंगे इनके अलावा सरन्या पोनवानन अजय गिरीश करनाद मोहन रमन सुधा सत्यान चार्ल अपुकुट्टी हर्षवर्धन नटराजन बालाकृष्णन और टी एस रघनाथन देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है तिरु ने एडिटिंग की हुई है प्रवीण पुरी ने जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म करीबन दो घंटे चवालीस मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर है वो ए आर और कुतुबी कृपा ने मिलकर कंपोज किया हुआ है जो फिल्म के गाने वो ए आर रहमान ने अकेले मिलकर कंपोज किए हुए हैं जहाँ पे इस फिल्म के गानों के राइट्स से वो हीरोज म्यूज़िक के पास है तमिल तेलुगू और हिंदी तीनों वर्जन के लिए वहीं पे इस फिल्म के जो गाने तमिल में टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे एक बोनस ट्रैक भी ऐड किया हुआ है तेलगु में भी छः जहाँ पर भी एक बोनस ट्रैक ऐड किया हुआ है लेकिन हिंदी में तीन गाने सुनने को मिलेंगे डब्ड वर्जन में तो इस तरह से सभी गानों के ऊपर काम किया गया था जिसके ऊपर डी में मैं आपको आगे बताऊँगा अब हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर तो प्रोडक्शन से स्टार्ट दो अगस्त 2009 जहां पे डायरेक्टर विक्रम कुमार ने अनाउंस किया था कि वो एक 24 टाइटल के साथ फिल्म फिल्म बनाने वाले जहां पे इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे मोहन नटराजन और इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलेंगे विक्रम और उसके बाद में बताया गया था कि हरीश जयराज इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक कंपोजिशन करने वाले पीसी श्री राम इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी करेंगे 2009 के एंड में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी ए वी एम स्टूडियो चेन्नई में और इस फिल्म की कास्ट को भी पूरी तरह से सेट कर लिया गया था एक डेंस फॉरेस्ट का सेट भी क्रिएट कर लिया गया था और उन सभी चीज़ों के साथ फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी लेकिन विक्रम ने इस फिल्म के लिए विक्रम के साथ डायरेक्टर ने अपोजिट इलियाना डिक्रूज को कास्ट किया हुआ था और इस फिल्म का अनाउंसमेंट होने के बाद उन्होंने इस फिल्म को बाद में फिर से ड्रॉप करवा दिया गया था और उसके बाद में विक्रम ने क्लेरिफाई किया कि वो इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी जिस वजह से उसको यानी कि एक्टर विक्रम की और प्रोड्यूसर दोनों ने मिलकर इलियाना डिक्रूज को रिजेक्ट किया हुआ है बाद में फ़िल्म के कुछ अदर रीजंस भी दिखाए गए थे जहाँ पे डायरेक्टर ने पूरी तरह से स्क्रिप्ट के साथ जो काम कम्प्लीट किया हुआ था वहाँ पर वो सभी चीज़ों को प्रोवाइड करने में हमारे सामने फेल रहे थे और फिल्म का जब प्रोडक्शन था वो काफ़ी हाई जा रहा था हर बार बढ़ रहा था जिसके चलते डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में काफ़ी क्रिएटिव डिफरेंसेस आ चुके थे जिसके बदौलत ये फिल्म का प्रोजेक्ट वहाँ पर रुक चुका था जहाँ पे उसके बाद में इस फिल्म को फिर से डेवलप किया गया जहाँ पे जून 2000 सॉरी अगस्त 2014 में सूर्या ने अपने प्रोडक्शन कंपनी टूडे एंटरटेनमेंट के नीचे एक अनाउंसमेंट की अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के तहत है, जहाँ पे बताया गया कि वो इस फिल्म को बनाने वाले जहाँ पे इस फिल्म को फिर से क्रिएट किया गया है जहाँ पे उनके ओरा के हिसाब से स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया है अक्टूबर 2014 को ए आर रहमान को म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर साइन किया गया एक्टर सूर्या ने कन्फर्म किया कि वो इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे इस फिल्म का जो मेन प्लॉट है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि विक्रम के साथ जो फिल्म बनने वाली थी वहाँ पे उसमें थोड़े चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि फिल्म चार पाँच साल बाद अब बनने वाली है तो उस वजह से थोड़े चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे स्क्रीन प्ले और जो डायमेंसन है उसमें थोड़ा नेरेशन में थोड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है ये सभी चीज़ें सूर्या ने एक इंटरव्यू के तहत कही हुई थी उन्होंने कहा था कि इस फिल्म का जो प्लॉट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जहाँ पे ह्यूमन जिस तरह से टाइम को कंट्रोल करता है उन सभी चीज़ों के ऊपर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर उस पावर के ऊपर इस फिल्म को बनाया जाएगा जो फिल्म का कोर थीम होने वाला है ट्वेंटी फोर फिल्म का उसके बाद में कैरेक्टर के ऊपर बातचीत करें तो बताया गया था कि सूर्या इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे उनके टोटल पाँच अपीरेंस इसके तीन रोल के साथ देखने को मिलेंगे और वन ऑफ द रोल उनका सबसे बड़ा इंटागोन फिल्म का साबित होगा जहाँ पे इस फिल्म में उनके पाँच छः लुक डिज़ाइन किए गए थे उस किरदार के लिए उस एंटागनिस्ट के किरदार का नाम अथरिया रखा गया था जहाँ पे वो एक स्मार्ट बंदा बताया गया था जो अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म में के लिए एक्ट्रेस के लिए कैथरीन त्रेसा को साइन किया गया था फीमेल लीड के रोल पे लिए उनको साइन करने का फैसला लिया जा रहा था लेकिन फाइनली फरवरी 2015 में समंता रुद्रभु को इस फिल्म के किरदार के, के लिए साइन किया गया नित्या मेनन को इस फिल्म में सेकंड लीडिंग रोल के लिए साइन किया गया था उसके बाद में समंता और नित्या ने इस फिल्म के साथ आ, काम जो किया हुआ था जो सूर्य का किरदार था दो अलग अलग किरदार के साथ उन्होंने अलग अलग एक्ट्रेस ने अलग अलग टाइम सोन के साथ काम किया हुआ था जहाँ पे समंता के अपोजिट जिस तरह जो मनी का किरदार लिखा हुआ था नित्या मेनन के अपोजिट जो सेतु रमन का किरदार था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आया था सरण पर्नवानन को इस फिल्म में माँ के किरदार के, के लिए यानी कि माँ की मनी के माँ का रोल दिया गया था फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फो मुंबई 8 अप्रैल 2015 से स्टार्ट की गई थी जहां पे एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ नासिक में इस फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था करीबन अर्ली जून 2015 में कुछ सीन से फिल्म के फिल्म स्टूडियो में शूट किए गए थे गोरेगांव में वेफ का जो काम है वही सेम स्टूडियो में सेम्बर दो को करवाया गया था नित्या मेनन ने अपना पोर्शन का करीबन एक अगस्त 2015 से स्टार्ट किया हुआ था फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको सितंबर 2015 तक कंप्लीट करवाया हुआ था मिड सितंबर 2015 तक के तक इस फिल्म का 20 दिनों का शेड्यूल सेट किया गया था पोलैंड में और वहाँ पे कास्ट एंड क्रू मेंबर को ले जाया गया और वहाँ पे कुछ एक्शन सीक्वेंस थे कुछ सॉन्ग्स थे वो क्रैक जेब्रो माउंटेन सकोपाने लेबा लेविन क्लोंडे डिना जद्रोज वाल ब्रिंच ब्लूविज नोवे ब्रेस्गो करके इसे अलग अलग पोलैंड के लोकेशन से वहाँ पे शूट किया गया था इस फिल्म की जो लाइटिंग है वो प्रोवाइड की गई थी क्रेसगो कंपनी सीने लाइट की तरफ से और पोलैंड में काफ़ी लंबा शेड्यूल रखा गया था फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था उसको 30 सितंबर 2015 तक कंप्लीट करवाया गया था और उसके बाद में 26 अक्टूबर 2015 को इस फिल्म के कुछ इम्पोर्टेंट सीक्वेंस को शुभांता रॉयस सहारा स्टेडियम पुणे में शूट किया गया था जहां पे उसको एक सिंगल दिन में पूरी तरह से कंप्लीट किया हुआ था जो एम एस धोनी वाला सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ इसी के मंथ के एंड में इसी मंथ के एंड में फिल्म का लास्ट शेड्यूल सेट किया गया था जहाँ पे उसको आदित्य राम स्टूडियो चेन्नई में रखा गया था दो नवंबर 2015 तक पूरी तरह से फिल्म की शूटिंग का काम कंप्लीट करवाया गया था तो इस फिल्म को शूट करने में करीबन 100 से ज़्यादा का दिनों का टाइम लगा था जहां पे 30 दिनों का टाइम फिल्म का शूटिंग का आउट ऑफ कंट्री रखा गया था यानी कि बाहर देश 30 दिन शूट किया गया था 70 दिन इस फिल्म का इंडिया में शूट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में करीबन साठ से ज़्यादा बी का काम देखने को मिला था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स में आर रहमान का म्यूजिक देखने को मिलेगा जहां पे इन फिल्म के गानों को पंचतन रिकॉर्ड इन चेन्नई ए एम स्टूडियो चेन्नई ए आर स्टूडियो मुंबई पंचतन हॉलीवुड स्टूडियो लॉस एंजलिस में इन गानों को रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे दो हजार चौदह सोलह के बीच में इनको रिकॉर्ड किया गया था आठ अप्रैल दो हज़ार सोलह को इन सभी गानों को यूट्यूब पे ऑफिशियली ईरोज म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तमिल तेलुगु और हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था टोटल गानों की लेंथ थी वो पच्चीस मिनट बावन सेकंड थी फिल्म का जो ट्रैक लिस्ट है उसके बारे में बताओ तो पहला गाना नान ओन जिसके लिरिक्स मादन कारके ने लिखे हुए थे सिंगर थे अरिजीत सिंह चिनमई दूसरा गाना मे निंगारा जिसके लिरिक्स लिखे माधन कारके ने सिंगर थे सिद्ध श्री राम सनंत मिदुति और जोनिता गांधी तीसरा गाना पुनागे जिसके लिरिक्स लिखे वैरा मुत्थु ने सिंगर थे हरिचरण ससा तिरुपति चौथा गाना आरुरु जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कारके ने सिंगर थे शक्ति श्री गोपालन पांचवा गाना माई ट्विन ब्रदर जिसके लिरिक्स लिखे विक्रम कुमार ने सिंगर थे श्रीनिवासा कृष्णन हृदय कतनी छठा गाना है काला मियन कर डाली जिसके लिरिक्स लिखे हुए वाई मुरुथो ने सिंगर थे बेनी दयाल सात सिंह और अभय जोधपुर कर तो इस तरह से टोटल छः गाने इसके अलावा एक पॉन्स ट्रैक था ट्वेंटी फोर कैरेट जिसके लिरिक्स लिखे हुए माधन कारके ने सिंगर थे अर्जुन चांडे तो इस तरह से तमिल का एक एक साउंड ट्रैक क्रिएट किया गया था जिसको फिलहाल में तमिल तेलुगु और हिंदी तीन वर्जन में यूट्यूब पेज म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल किया गया है वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सूर्या ने ट्रिपल रोल प्ले किया हुआ है एक तो डॉक्टर सेतु रमन जो आत्या का यंग ट्विन ब्रदर है एक साइंटिस्ट है जो टाइम ट्रैवलिंग ट्वेंटी फोर वॉच है उसके साथ उसका इन्वेंशन उन्होंने किया हुआ है और मनी का बायोलॉजिकल फादर है आथ्रिया जिसका नाम है किरदार का मेन एंटागोनिस्ट का वो रोल सेतुरम सूर्या ने ही प्ले किया हुआ है जो सेतुरमन का ओल्डर ट्विन ब्रदर है जहाँ पे वो ट्वेंटी फोर टाइम ट्रैवल वाला वो है उसको वो हथियाना चाहता है और मनी का बायोलॉजिकल अंकल है वहीं पे मणिकंदन यानी कि मनी जो सुब्रमण्य एके सुब्रमण्य के नाम से जाना जाता है जो सेतु रमन का बेटा है और आत्रेय का नेफ्यू है समंता रूप प्रभु ने इस फिल्म में सत्य भामा एके सत्या का रोल प्ले किया हुआ है जो मनी का लव इंटरेस्ट है उनका वॉइस और तमिल वर्जन के लिए चिन महीने डब किया गया था नित्या मेनन ने प्रिया सेतु का रोल प्ले किया हुआ है सेतु रमन के, से के वाइफ का किरदार था जो मनी के बायोलॉजिकल मदर है सरण्ञ पोनवानन ने सत्या भामा का रोल प्ले किया हुआ है जो मनी के अडोप्टिव मदर है अजय ने मिथरन का रोल प्ले किया हुआ है जो आथरे का ट्रस्टेड साइड की के गिरीश कर्नाड ने इस फिल्म में सत्या के ग्रैंड का रोल प्ले किया हुआ है मोहन रमन ने सत्या के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सुधा ने सत्या की माँ का रोल प्ले किया हुआ सत्यान ने इस फिल्म में सर्वानंद यानी कि मनी के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है चार्ल ने इस फिल्म में रेडियार का रोल प्ले किया हुआ है अपू कुट्टी ने इस फिल्म में रेड

जहाँ पे वो आने वाले समय में काफ़ी एक इस वॉच के थ्रू काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक देश के लिए भला कर सकते हैं जहाँ पे शिवा का भाई यानी कि अथरिया जो सूर्या ही रोल रौ प्ले कर रहे हैं वो उस वॉच को पाने के लिए शिवा और उसकी वाइफ यानी कि नित्या मेनन को मारने के लिए जाता है जहाँ पे वो उसको मार देता है लेकिन लकीली शिवा कुमार किसी तरह से बचकर वो सेफ गार्ड की मदद से वहाँ से भाग निकलते हैं उसका एक छोटा बच्चा है जिसको वो सरण ना, नाम की जो लेडी होती है सरणिया पौनवानंद जो उसकी एडोक्टिव मदर बनती है उसके बाद में उसको देकर वो निकल जाता है जहाँ पे पच्चीस साल के बाद अथ्रिया फिर से आ जाता है जहाँ पे वो वही वॉच के फिराक में जहाँ पे वो वॉच फ़िलहाल में मनी के पास है जहाँ पे वो शिव शिवा का बेटा है और उस वॉच को पाने के लिए अब वो मनी के क्लोज आने की कोशिश करता है जहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान मनी को इस वॉच का पावर पता चलता है और अथरिया का एविल इंटेंशन भी पता चलता है और इस वॉच को किस तरह से एक अलग लेवल पे ले जाता है वो सभी चीज़ें फिल्म की कहानी बनाती है मनी किस तरह से इन सभी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा अपने अंकल यानी कि अथरिया से किस तरह से बचेगा वही फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी बढ़िया था नो no डाउट इसके ऊपर काफी सारी फिल्में आई हुई है तो इसके ऊपर कुछ अलग करके दिखाना थोड़ा मुश्किल है नहीं थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन डायरेक्टर ने बखूबी निभाया हुआ था जिस तरह से फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था जिस तरह से एक तीन किरदार लिखे हुए थे विक्रम कुमार ने उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ था इस फिल्म के प्रोजेक्ट को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया था वो बढ़िया था इस फिल्म का आइडिया नरेशन का जो स्टाइल वो सभी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट थी फिलहाल में अगर आप ए, ये दो की फिल्म है दो में लिखी गई थी लेकिन दो हज़ार बाईस कभी भी देखोगे एक बढ़िया तरीके से उन्होंने एक मैनर अच्छे खासे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के साथ उन सभी चीज़ों को लिखा हुआ है जहाँ पे वो सभी चीज़ें क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक, एक एवरगिन कल्ट क्लासिक साइंस फिक्शन फिल्म बन चुकी है जहाँ पे फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जिस तरह से हमारे साथ ये फिल्म थ्रिलिंग मोमेंट एंटरटेनमेंट इमोशन एक्शन ड्रामा रोमेंस सभी चीज़ों का एक मिश्रण डालती हुई नज़र आती है उसमें जो साइंस फिक्शन का एक तड़का लगता है वो सभी चीज़ें टाइम ट्रैवल के साथ जिस तरह से जोड़ी जाती है वो परफेक्ट थी ट्वेंटी फोर फिल्म अगर सूर्या के अलावा आप दूसरे एक्टर के साथ देखें तो उतना कुछ खास हमें पसंद नहीं आएगा लेकिन जिस तरह से सूर्या ने उसमें वो किरदार निभाए हुए हैं उस वजह से ये फिल्म और नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है जहाँ पे कह सकते हैं कि 2016 तक सूर्या की जितनी भी फिल्में आई हुई थी वहाँ पर उन्होंने इस फिल्म में अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई थी खास करके आथर्या का रोल जिस तरह से वो डिलीवर करते वो आपका दिल पूरी तरह से जीत लेते टोटल तीन किरदार प्ले किए हुए हैं तीनों के रोल काफ़ी अलग अलग है और वो आसानी से डिफ्रेंशिएट करने में हमारे सामने कामयाब रहे थे सूर्या ने अपने स्क्रीन प्रेजेंस से अपने मैनेजिंग नेगेटिव रोल के साथ जिस तरह से स्क्रीन प्ले हमारे सामने पेश किया हो जिस तरह से वो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो हमें ज़रूर पसंद आते हैं उनके वेरिएशंस उसके दर के थ्रू पूरी तरह से एक एवॉर्ड विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते देखने लायक पर फिल्म को और बेहतर बनाते फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी नेल बाइटिंग सीन्स के साथ दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म के इंटरवल पर जिस तरह से चीज़ों को दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वे में हैंडल किया हुआ था फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू कैमरा वर्क वी एफ इतना बढ़िया तरीके से एलिवेट किया हुआ है जो फिल्म को काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट देता है फिल्म का जो प्रोडक्शन था उसको परफेक्ट वे में जस्टिफाई करता है समन्था को जो रोल दिया गया था वहाँ पर वो बढ़िया थी उनकी केमिस्ट्री सूर्य के साथ काफ़ी डिसेंट नज़र आ रही थी फिल्म का क्लाइमैक्स अभी बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से हमारे सामने एक प्रॉपर कन्विंसिंग मैनर में एग्जीक्यूट किया हुआ था जो सभी चीज़ें स्क्रीन पे एक बढ़िया तरीके से दिखाई गई है जहाँ पे स्क्रीन पे ज़्यादातर चीज़ों को लॉजिक के साथ दिखाने की कोशिश की हुई है फिल्म में जो वेरियस थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं टाइम ट्रैवल वॉच के हिसाब से जिस तरह से उसको सेट किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था इस फिल्म का जो ड्रॉ ब्रेक है उसको बात करें तो म्यूजिक बोल सकते हैं म्यूज़िक ए रहमान का है लेकिन जो सॉन्ग्स है वो उतने अप टू द मार्क नहीं है जो फिल्म का कंटेंट था जिस तरह से फिल्म को नेरेट किया हुआ है उसमें स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे थे इसके अलावा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो भी फिल्म का डिसेंट था लेकिन वो सॉन्ग्स से उसके मुकाबले फ़िल्म का म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था इसके अलावा कुछ ऑडियंस इस फिल्म के लॉजिक के तहत जाएगी लेकिन प्रॉपर वे में अगर लॉजिक के साथ देखने बैठोगे और फिल्म को कुछ ऑडियंस को ये फिल्म थोड़ी अंडर समझने के लिए थोड़ी कौन नज़र आ सकती है अदरवाइज फिल्म काफ़ी बढ़िया है इस फिल्म में जो लव ट्रैक दिखाया हुआ सुमंता का सूर्या का उसको फर्स्ट हाफ में जिस तरह दिखाया हुआ था सेकंड हाफ़ में उतना बेहतर वे में उसको हमारे सामने पेश नहीं किया जाता है कुछ चीज़ें थी ऐसी थी फिल्म के फर्स्ट सेकंड हाफ़ में जहाँ पे उसे आसानी से चॉप ऑफ किया जा सकती थी जहाँ पे वो सभी चीज़ें फिल्म को और बेहतर वे में हमारे सामने पेश करने में कामयाब रहती अगर वो सभी चीज़ें हट जाती अननेसेसरी सीन्स तो फिल्म और इंटरेस्टिंग और क्रिस्प नजर आती कैमरा वर्क डरेक्शन फिल्म का काफ़ी बढ़िया है वही फिल्म का सबसे बड़ा स्पेशल मैंसन है उसके बाद फिल्म का वेफ एक्स जिस तरह से उसके ऊपर काम किया हुआ जो टाइम ट्रैवल का काम कामकाज था उसमें वेफ एक्स जिस तरह से सेट को डिज़ाइन किया हुआ था वो काफ़ी मार्वलस था इसके अलावा रिसेंट टाइम में जितनी भी फिल्में मैंने देखी हुई पिछले दस पंद्रह सालों में उसमें वन ऑफ दी बेस्ट वेफ एक्स इस फिल्म में यूज़ किए गए थे इस फिल्म में जिस तरह से हिंदी डबिंग देखने को मिलती वो भी बढ़िया है अलग अलग किरदार के लिए और फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी हर एक फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी जिसको केयरफुल के साथ क्रिएट किया हुआ ऐसा महसूस हो रहा था ग्राफिक्स फिल्म का काफ़ी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया हुआ था जो एक फिल्म के स्क्रीन पे सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कन्विंसिंग और बिलीवेबल नज़र बनाने में कामयाब रखती है इसके अलावा डायरेक्टर विक्रम कुमार ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है फिलहाल में जितनी भी टाइम ट्रैवल इंडिया में फिल्में बनी हुई है उसमें उन्होंने सबसे बेस्ट फिल्म बना के दी हुई है जहाँ पे उनकी जो लिखावट है उसके ऊपर उनका जो एग्जीक्यूशन है जिस तरह से किरदारों का उनको लिखावट दी गई है सूर्या के कैरेक्टर को तीन डिफरेंट किरदार को जिस तरह से लिखा हुआ है वो इम्प्रेसिव था उनकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी साईफाई का एंगल इमोशंस वो सभी चीज़ें उन्होंने बढ़िया तरीके से मैनेज की हुई थी थ्रिलिंग मोमेंट रोमांस एक्शन ड्रामा कॉमेडी उसका मिश्रण अच्छी तरह से एड किया हुआ था जिसकी बदौलत एक टेक्निकल ब्रिलियंट फिल्म बनती है ये जहाँ पर ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो इस फिल्म में सूर्या का जो ट्रिपल रोल है रेसी थ्रिलिंग सीन है एंगेजिंग कॉन्सेप्ट है वो सभी चीज़ें आपको आसानी से इंप्रेस कर जाएगी जहाँ पे सूर्य अपने स्टार को आसानी से इस किरदार के परफॉर्मेंस के, के थ्रू आपको डिलीवर करते हुए नज़र आएंगे और आपको इस फिल्म के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन हो या ना हो चाहे जितनी भी बड़ी एक्सपेक्टेशन रख लो ये फिल्म आपको ज़रा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी ये फिल्म किसी भी टाइप की ऑडियंस को मेरी बात सुन लो किसी भी टाइप की ऑडियंस को कनेक्ट करेगी कोई भी ऑडियंस हो मास क्लास मिडिल ऑडियंस सर्टेन टाइप की कोई भी ऐसी ऑडियंस हो सबको ये फिल्म पसंद आने वाली है अब हम बात करें फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर तो उससे पहले मैं हम बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था 6 मई 2016 को यूएस सर्टिफिकेट के साथ जब फिल्म को रिलीज किया गया तब अच्छे खासे स्क्रीन दी मिले थे फिल्म को जहाँ पे इस फिल्म को एस्टिमेटली करीबन उन्नीस सौ पचास दो हज़ार में वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था यू युए में यू में इस फिल्म को करीबन दो सौ सड़सठ मिले हुए स्क्रीन्स मिले हुए थे इस फिल्म के कुछ स्पेशल प्रीमियर्स रखे गए थे उसको पाँच मई दो में सेट किया गया था फिल्म को आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी करीबन चार से ज़्यादा स्क्रीन्स मिली हुई थी तो इस तरह से एक अच्छे खासे स्क्रीन्स के साथ फिल्म को रिलीज करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म ने एक मार्केटिंग गेम निकाली हुई थी जहाँ पे मार्केटिंग की हुई थी गेम के थ्रू ट्वेंटी फोर आर थ्री आर रन करके जिसको क्रिएटिव मंकी गेम्स वालों ने क्रिएट किया हुआ था जिसको आईओएस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एक मई दो को अवेलेबल किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म को 6 मई 2016 को जब थिएटर में रिलीज किया गया तब तो क्या धमाका मचाया फिल्म ने फिल्म का पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक अलग लेवल पे ले गया जहाँ पे फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इतना ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला जिसके बदौलत फिल्म डे बाय डे बढ़िया तरीके से ग्रोथ की जहाँ पे बाईस हज़ार वोट मिले हुए आईएमडीबी पे फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल है दस में से तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने कितने हद तक कितनी बढ़िया लेवल की रेटिंग हासिल की हुई थी जहाँ पर इस फिल्म ने करीबन पहले वीकेंड में पचास करोड़ का इंडिया से ग्रोस कलेक्शन निकाला हुआ था किसी तमिल लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन करना Yeah. तब के समय काफ़ी बड़ी बात थी जहाँ पे इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन था वहाँ से भी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन का निकल के आया हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश से इस फिल्म ने करीबन ओपनिंग वीकेंड सत्रह करोड़ के आसपास का लिया हुआ था जो तमिलनाडु के ओपनिंग वीकेंड के करीब माना जा सकता है क्योंकि इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड का पचास करोड़ का ओपनिंग वीकेंड था उसमें सत्रह करोड़ तेलुगू से आया था और उतना ही कुछ तमिलनाडु से आया हुआ था तो फिल्म ने अप्रोक्सीमेटली तमिलनाडु से एंटायर रन था लाइफ टाइम रन फिल्म का करीबन चालीस करोड़ निकला था और इसमें फिल्म ने तीन दिनों में एक मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद वो सभी चीज़ें एक स्क्रीन पे ही रिलीज़ की गई थी उस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ ये ऑस्ट्रेलिया में फिल्म ने करीबन दो लाख डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था और 200 डॉलर यूएई में इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उसी टाइम जोन के दौरान और इस तरह से यूएस का लाइफ टाइम कलेक्शन एक पॉइंट छः मिलियन यू एस डॉलर निकल के आया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जहां पे इस फिल्म का बजट करीबन सत्तर करोड़ था बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने सौ करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया 2016 में जहां पे इस फिल्म ने एक अच्छा खासा रन लिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई और उसके बाद में आगे जाके जब थिएटर के बाद इस फिल्म को ओ और सेटेलाइट के ऊपर प्रीमियर करवाया तब एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन चुकी थी जहाँ पर जथिर वाला किरदार है वो पूरी तरह से कल्ट कैरेक्टर बन चुका था ओ टी सैटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के ओ टी राइट से वो तमिल वर्जन के लिए अमेजन प्राइम वीडियो ने खरीदे हुए हिंदी वर्जन के लिए जी स्टूडियो के पास है वहीं पे तेलुगु वर्जन के लिए इस फिल्म के राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉस्टार ने खरीदे हुए हैं जहाँ पर इस फिल्म का जो तमिल वर्जन है वो आपको अमेजन क्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी फोर नाम से देखने को मिलेगा तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को ट्वेंटी फोर नाम के साथ डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया हुआ है जहाँ पे आप विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट को एनी मनी आप इस फिल्म को इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे 24 फिल्म का जो हिंदी वर्जन है यानी कि टाइम स्टोरी उसके राइट सी फाइफ के पास है तो ये फिल्म सी फाइफ के ऊपर टाइम स्टोरी के नाम से बिल्कुल फ्री में विध इंग्लिश देखने को मिलेगी सिर्फ आपको G5 के लॉग इन करना है और टाइम स्टोरी फिल्म आसानी से आप फ्री में एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से इस फिल्म को आप ओ टी टी के ऊपर इंजॉय कर पाओगे वहीं पर सेटेलाइट के ऊपर जी सिनेमा और जी सिनेमा एच के ऊपर ये फिल्म टाइम स्टोरी के नाम से हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म को ओ पे तमिल वर्जन में आप देख सकते हो सॉरी एमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे हिंदी वर्जन डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा सॉरी uh, तेलुगु वर्जन डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा वहीं पे हिंदी वर्जन है वो टाइम स्टोरी नाम के साथ डब करवाया गया है जिसको जी फाइव के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल फिर इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको हिंदी वर्जन टाइम स्टोरी नाम के साथ जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस तरह से आप ट्वेंटी फोर या टाइम स्टोरी फिल्म तेलुगु तमिल और हिंदी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दी है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दे दी है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पर स्टोरी के ऊपर एक एनालिसिस एक्सप्लेनेशन दी हुई है साथ ही में इस फिल्म की स्टारकास्ट सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी मैंने जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू